हम लोग गत कल्याण भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे थे। कहते किसी ग्रंथ की अगर हम महिमा को समझना चाहते हैं, कहते वो ग्रंथ को चार दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। पहला नंबर है ये भागवत कथा को कौन सुन सकता है, लेकिन इसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वही व्यक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो, तभी ये कथा कोई सुन सकता है। अगर कोई बोले हम तो बड़े पापी हैं, हमने तो कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, क्या ये भागवत कथा हम नहीं सुन सकते हैं? इसलिए गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे धुंधुकारी जैसे पापी। धुंधुकारी कितना बड़ा पापी था, सुना है ना, पिताजी को इतना सताया, उसने इतने सताया पिताजी को, पिताजी घर छोड़कर भाग गया। मैया को इतने सताया, मैया कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या की। इतना नहीं, फिर उसने छह वेश्याओं को घर में बुला करके रखा। कोई बोलता है साड़ी दो, कोई बोलता है साबुन दो, कोई बोलता है गहना दो, सब अलग अलग उनका मांगे। अभी उनको इच्छा पूरी करने के लिए उसने राज दरबार में डाकू डाला, बहुत धन संपत्ति को लूट करके लाया। वेश्या को पता चला तो देखा सगर होते ही सीआईडी लग जाएगी, अगर पकड़े गए ना सबके सब जेल चल जाएंगे। उसने रातारात धुंधुकारी को बड़ी बुरी तरह से मार दिए और उन्होंने मिट्टी में गाड़ करके चली गई। तो धुंधुकारी ने क्या बन गया, ये प्रतापमा बन गया। जब उसको गया में पिंड दिया, बोले मेरे नाम पर एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो तो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले ये भागवत कथा से ही जी को मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब है भागवत को कौन सुन सकते हैं, अगर कोई पापी से पापी क्यों नहीं हो, ये भागवत कथा से उसको भी मुक्ति मिल जाती। अगर कोई बोले अरे ये सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुनेंगे, हम बहुत बार कथा सुने हैं, हमें ये सब कथा सुनता सुनने का कोई जरूरत नहीं, हम तो सब जानते हैं। उदाहरण देकर के बताए, आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे आप इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। ये सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान थे जो मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन निकले तो उसी समय में ही संन्यास लेकर के चले गए और संपूर्ण ब्रह्म ध्यान में, ब्रह्म ज्ञान में वो डूबे हुए थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन भागवत कथा की इतने महिमा, कहते इतने बड़े ज्ञानी भी जब भागवत का एक श्लोक को सुने वो पागल हो गए, सब कुछ ध्यान ज्ञान को छोड़े और संपूर्ण ये भागवत कथा को सुने। कहते भागवत कथा कौन सुन सकता है, बल एक पापी से पापी भी सुन सकता है और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी ये भागवत कथा सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जे सुना ता गुरुस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर कोई बोले
अरे सुनी सुनाई कथा को कितना सुनेंगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोले सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, क्या समझो वो रस क्या चीज है उसको पता नहीं। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं बोले ठाकुर जी आप एक ही जीवा क्यों दिया, आप हमें ये करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं दे दिया, आप हमें दोनों दो कान क्यों दिए कृष्ण कथा सुनने के लिए, हमें करोड़ों करोड़ों कान दे देते तो कथा सुन करके आनंद मिलता। इसलिए भगवान की कथा जो जितना सुनते हैं लगता है हमने कभी कथा सुनी ही नहीं, उतना उसका अंदर में उत्कंठा जगती है। इसलिए भागवत में भगवान जो पृथु महाराज को बोले भैया हमसे कुछ वर मांग लो, तो पृथु महाराज क्या कहते हैं बोले प्रभु अगर वर देना चाहते हो हमें 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान क्या करोगे, दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर इधर दो कान सारा शरीर में अगर कान कान हो जाएगी अच्छी लगेगी, दो कान तो सुंदर लग रहा है। कहते उसी तरह कहते तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो, बोले इसीलिए कान तो दो ही हो लेकिन ये दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतनी उत्कंठा रहे जैसे 10,000 कानों में जितने शक्ति हो। इसलिए ठाकुर जी हमें 10,000 कान दे दो हमें ठाकुर जी, मैं कथा सुनते रहूं। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं बोले ज्ञानी से ज्ञानी भी सुन सकते हैं और पापी से पापी भी ये भागवत कथा को सुन सकते हैं। सभी कृष्ण कथा सुनने की सबके सब अधिकार है। बोले भागवत में विषय वस्तु क्या है, कहते भागवत में कोई साधारण कथा नहीं, ये दुनियादारी की बात नहीं। बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, बोले भगवान श्री ब्रज बिहारी श्री कृष्ण की कथा भागवत में। बोले उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले पांच रस है, पांच रसों से भगवान की भक्ति की जाती है। पहला रस शांत रस में, दूसरा रस जैसे हनुमान जी ने सेवा की, तीसरा रस जैसे अर्जुन और कृष्ण की सखाओं ने जैसे भक्ति की, चौथा है मैया जसोदा जैसे कृष्ण को प्रेम करती थी, और जो पंचमा है ब्रज के गोपियां जैसे कृष्ण को भक्ति करती थी। ये पांच तरह का रस है भगवान को भक्ति करने का, कभी ये सर्वश्रेष्ठ रस क्या है बल्कि ये गोपियों ने जैसे कृष्ण को भक्ति की ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ रस है। इससे बड़ा रस दुनिया में कुछ नहीं, इस संसार में भी देख लो एक मैया बच्चे को कितना दिन पेट में रखती है, कितना दिन पेट में रखती है मैया, 9 महीना रखती है। आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए होंगे 9 महीना गर्भ में धारण करती है, प्रसव पीड़ा कितना सहन करती, फिर बच्चे जन्म हो जाए अपना मुंह पर खाना निकाल कर खिलाती, खुद नहीं खा करके बच्चे को खिलाती, रात भर बच्चा कितने जब छोटा बच्चा होता है कभी रात भर तो मैया सोती नहीं, कितना कष्ट करके बच्चे को पालना करती। लेकिन वही बच्चा घर में जब बहू आ जाए ना, घर में जब शादी हो जाती फिर वो बच्चा किसका हो जाता है, किसका हो जाता है, वो बहू की बन जाती है, फिर सब कुछ भूल जाती है। अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो किसको लेकर वो बच्चा अलग हो जाता है, अपना पत्नी को लेकर वो अलग हो जाता है, हैं? कारण है कहते कि स्त्री को अंदर में ये सारे रस एक स्त्री के अंदर में विद्यमान है। जैसे एक दास जैसे भगवान को भक्ति करता है सेवा करता है, पत्नी भी पति की ऐसे सेवा करती है, जैसे कि सखा को साथ में देखना एक पुरुष का कब तक उसका दो यार दोस्त रहते हैं जब तक शादी नहीं हो जाए, शादी हो जाए ना वो सखाओं को भी भूल जाता है यार दोस्त को, मैया को सारा दुनिया को भूल करके अपना पत्नी को साथ में रहता है। क्यों कहते हैं पत्नी को अंदर में ये सारे रस ये पत्नी को अंदर में। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देती है यद्यपि कृष्ण को सबके सब प्रेम करती हैं लेकिन गोपियाँ जैसे प्रेम करती हैं उनका प्रेम में कृष्ण जितने वशीभूत हैं उनको और उतना कोई वशीभूत उनको नहीं कर पाए। इसलिए भागवत में क्या बताए बोले गोपियों का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, जहाँ पर कृष्ण स्वयं उनका प्रेम को सामने कृष्ण स्वयं उनको प्रेम को सामने प्रभु झोंक जाते हैं, कहते हैं गोपियों
तुम लोग ने मेरे लिए सारा दुनिया को खबर मारे, एकनिष्ठ होकर के तुम लोग मेरे को प्रेम की। अगर ब्रह्मा जैसे परमायु ले ले, मैं कभी तुम्हारी रेणी से कभी मैं उड़ी बनी नहीं सकती हूँ। इसलिए भागवत में गोपी प्रेम की झंडा, उसमें झंडा फैर रहा है इसमें। इसलिए भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है ये उद्धव जी, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, ये उद्धव जी। इसलिए कृष्णा उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है ना, कहते ना तथा मैं प्रियतम आत्मज्वनि। आत्मज्वनि मतलब मेरे जो बेटा है ना, मेरा बेटा कौन है, बोले ब्रह्मा जी। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जन्म हुए। कहते भैया मेरा बेटा इतना प्रिय नहीं। कहते बेटा की बात छोड़ दो, कहते मेरी जो लक्ष्मी है ना, जो मेरी अर्धांगिनी, वो भी इतना प्रिय नहीं। कहते उनकी बात छोड़ दो, हरि हर एकात्मा श्री भोले बाबा भी इतना प्रिय नहीं। बोले इनकी बात छोड़ दो, मेरे अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं। बोले श्री ताऊ भैया की बात छोड़ दो, मेरा आत्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं। हे उद्धव तू मेरे कितने प्रिय हो। वही उद्धव जब ब्रज में आते हैं, जब राधा रानी के प्रेम को उन्होंने देखा, कहते उद्धव शुद्ध ने गयो सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाए डुगडुग बाजे प्रेम की। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए भागवत में ये राधा रानी की विशेष महिमा को श्री भागवत में उन्होंने वर्णन किया है, हैं? कहते भैया हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले लक्ष्य हमारी है प्रेम। लक्ष्य क्या है, प्रेम। अगर जीवन में भगवान के चरण में तुम्हें अगर प्रेम मिल गया ना, समझो जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल गया है। अब देखो संसार में तब सब प्रेम का भूखा है ना, बस किसी भी भूखे हो संसार में सब प्रेम के हम भूखे हैं, हैं? सब दुनिया चाहते हैं हमें प्रेम मिले, इसलिए तो सब करते हो ना। इसलिए भागवत का जो लक्ष्य है ना, वो प्रेम ही भागवत का लक्ष्य है। इसलिए कहते भागवत में ये प्रेम चीज को स्थापन किया, लेकिन इसमें कृष्ण लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन में भगवत प्रेम ही जीवन में लक्ष्य। अगर प्रेम आ गया ना, फिर तुम्हें ठाकुर जी को पास में जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर तुम्हारे पास में आएंगे। ठाकुर जी तुम्हारे पास में आएंगे, तुम्हें भगवान को पास में जाने का कोई जरूरत नहीं। हृदय में तुम्हारी प्रेम होनी चाहिए। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत कथा की महिमा को, सुन रहे थे कैसे ये भागवत सुन करके कैसे श्री धुंधुकार जैसे पापी को भी भगवत धाम से रथ आया, और उन्होंने चतुर्भुज धारण करते हुए उन्हें ठाकुर जी की चरण को उन्होंने प्राप्त किया है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मुखी। लेकिन भागवत में और एक पुराण है जिसका नाम कहते स्कंध पुराण। कहते हैं स्कंध पुराण में भी ये भागवत की बड़ी सुंदर महिमा है, बड़ी प्यारी प्यारी भगवान की ब्रज की सुंदर सुंदर कथा है। अभी हमारे बीच में हमारे प्रभु जी, एक प्रभु जी है कि आपको अभी उस स्कंद पुराण में ये भागवत की महिमा को ये प्रभु जी सुनाएंगे। तो खड़े होकर एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि तक प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए
उपस्थित यहाँ पर भगवत कथा श्रोत मंडली माता प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवतम का श्रवण और उसकी महिमा कीर्तन हम लोग पिछले दो दिनों से कर रहे हैं, विशेष करके श्री पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों के अंदर ही श्रीमद् भागवतम का वर्णन आता है। हम आगे जाके श्रवण करेंगे किस प्रकार व्यासदेव जी ने जब सारे ग्रंथों की रचना कर दी तब पर भी उनको शांति नहीं मिली, अंतिम में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी, उससे पहले ही वो सारे पुराण लिख चुके थे। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण ये दोनों तो उन्होंने पहले ही रचना कर दी थी और श्रीमद् भागवतम तो उसके बाद में लिखा है, तो जो ग्रंथ बाद में लिखा गया है उसकी महिमा पहले से ही कैसे बता दी? कोई व्यक्ति मानव पैदा होता है उसके बाद में तो उसकी महिमा प्रकाशित होती है, श्रीमद् भागवतम की अभी तक रचना ही नहीं हुई है, उससे पहले ही उसकी महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहाँ से आ गई? तो इसके लिए उत्तर देते हुए कहते हैं कि भागवतम नित्य है, केवल मात्र व्यासदेव जी ने इस जगत में उसको प्रकाशित करने के लिए ये लीला करी थी। उनको कैसे मोह हुआ, कैसे नारद जी वहाँ पर उपस्थित हुए, कैसे उनके उपदेश के बाद में श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ नित्य है, इसीलिए स्कंद पुराण में उसकी महिमा बतलाते हैं। किस प्रकार भगवान कृष्ण जब ने इस धाम को चले गए तो कुंती मैया ने सुन के तो अपने प्राण त्याग दिए, सारे पांडव भी एक एक करके स्वर्गारोहण को जा रहे हैं और एक एक करके अपने नित्य पार्षदेव को प्राप्त करके भगवत धाम को गए हैं। अभी परीक्षित महाराज एक दिन बज्रनाभ से मिलने आए और बज्रनाभ एक दिन परीक्षित महाराज से जब मिलने आए थे, दोनों की मुलाकात हुई, तो उस समय पर बज्रनाभ बड़े दुखी थे और बज्रनाभ ने परीक्षित महाराज से प्रश्न किया कि सब ठीक है? तो उन्होंने सब एक दूसरे को कुशल मंगल बताते हुए बज्रनाभ यहाँ बड़े दुखी होकर कह रहे हैं कि जिस राज्य में कोई रहने वाला ही ना हो, भगवान कृष्ण जब गए थे अपने सारे परिवारों को लेकर चले गए तो अभी कोई है ही नहीं, तो मथुरा में राजा यद्यपि बज्रनाभ है लेकिन वहाँ पर कोई प्रजा ही नहीं है, और जब राजा बिना प्रजा के राजा ही क्या, तो इसलिए वे बड़े दुखी थे। तब उस समय पर परीक्षित महाराज ने उन्हें समझाने की चेष्टा करी और उस समय पर सांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। सांडिल्य ऋषि ने इन दोनों को बतलाया, देखो कि भगवान कृष्ण यद्यपि लगता है कि इस धाम को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कृष्ण कौन है, ये ब्रज धाम क्या है, इसके विषय में मैं तुम्हें विस्तृत रूप में समझाता हूँ। तब सांडिल्य ऋषि उनको समझाने लगे हैं, कहते हैं, शृणुतम दत्त चित्तो मे रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्तिरितियुक्ता व्यापनाद ब्रज उच्यते। ब्रज का तत्व तो बतलाते हुए कहते हैं, शृणुतम दत्त चित्तो मे, हे परीक्षित, हे ब्रजनाथ, तुम दत्त चित्त अर्थात एकाग्र चित्त होकर सुनो, उनको नहीं हमें ही लक्ष्य करके कह रहे हैं कि भागवत कथा में यदि आए हो तो एकाग्र चित्त होकर सुनो, यूं नहीं इधर उधर ध्यान रहेगा, मन कहीं और है, सोते सोते कभी सुना कभी नहीं सुना, एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा श्रवण करने का कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्रज का तत्व साधारण नहीं है, ये वृंदावन की लीला मत समझे गुरु को चीला, यहाँ में ऋषि मुनि गए हाथ, है ना, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस ब्रज के तत्व को समझ नहीं पाते, तो फिर हम जैसों की तो बात ही क्या, इसलिए कह रहे हैं शुणतम दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रज भूमिजम, बड़े रहस्य की बात है, ब्रज तत्व सबके लिए समझने की बात नहीं है, ब्रज के कई कई शाब्दिक अर्थ बतलाए हैं लेकिन कह रहे हैं ब्रजनम व्याप्त रितियुक्ता, अर्थात जो सब समय व्याप्त है सब समय विद्यमान है उसी को ही ब्रज कहा। आगे कहते हैं गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते, इस जड़ जगत को देखो, ये जड़ जगत ये गुणातीत है, गुणातीत मतलब सत्य रज और तम, सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, इसका क्या लक्षण है, देखो कोई किसी भी चीज की सृष्टि होती है, पहले नहीं थी और बाद में सृष्टि हुई है ना, तो ये सत्वगुण का लक्षण है, बाद में कुछ समय तक रहती है, ये रजोगुण का लक्षण है, और बाद में खत्म हो जाती है, विनाश को प्राप्त होती है, तो ये तमोगुण का लक्षण है। तो इस जड़ जगत की कोई भी वस्तु देखोगे वो गुणातीत है, इन तीनों गुणों के अधीन है, लेकिन ब्रज ऐसा नहीं है, ब्रजधाम नित्य है, ब्रजधाम पहले भी था अभी भी है और बाद में भी रहेगा, इसलिए कहते हैं गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम परमद्वयम, कि वही कृष्ण क्या है, सदानंदम तस्मिन् नंदात्मजम अयोते, कह रहे हैं कृष्ण श्री नंद बाबा के पुत्र हैं, और ऐसा नहीं कि एक साधारण पुत्र जैसे माँ के गर्भ से जन्म लेता है, इस प्रकार कृष्ण का जन्म देखने पर भी
वे कोई साधारण मानुष नहीं, वे परम ब्रह्म है और सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, भगवान के अनंत गुण हैं, उसमें से सत, चित और आनंद। जैसे हम हैं, हमारा शरीर किससे बना है? कहते हैं ना पंच भौतिक शरीर, स्थिति, जब, वायु, मरु, तेज, है ना, आकाश, पृथ्वी, जल, इन सबको लेकर हमारे शरीर की सृष्टि हुई है। लेकिन भगवान इन जड़ जगत के गुणों से बने हुए नहीं है, भगवान है सच्चिदानंद स्वरूप। और कहते हैं आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणादसो आत्मा राम तया प्रोक्या प्रोच्यते गुणवेदिनी, कि श्रीमद कृष्णचंद्र उनकी आत्मा कौन है? श्रीमती राधा रानी ही उनकी आत्मा है। और अपनी आत्मा में रमण करने के कारण, श्रीमती राधा रानी में ही सब समय रमण करने के कारण लोग उन्हें आत्माराम कहते हैं। भगवान आत्माराम आप्तकाम तो हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी जब उनके साथ में हो तभी जाकर वो परिपूर्ण है। इस तरह से उन्होंने ब्रज का तत्व बतलाया, भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में भी बतलाया। कहते हैं लीलेवम दो विधा तस्य वास्तविक व्यवहार की, भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक है वास्तविक लीला और एक व्यवहारिक लीला। जैसे भगवान कृष्ण अपने नित्य गोलोक धाम में, वहां पर हम सब समय राधा रानी के साथ में हैं, वहां पर सखाओं के साथ में गौचारण के लिए जाते हैं, मैया यशोदा के साथ में वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, वहां पर श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ में मधुर लीलाएं करते हैं, ये उनकी वास्तविक लीला है। लेकिन एक होती है व्यवहारिक लीला। व्यवहारिक लीला कैसी? कि भगवान जब इस जड़ जगत पर आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, अवतरण लेते हैं हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए, तो वो उनकी व्यवहारिक लीला होती है। और भगवान की व्यवहारिक लीला हर कोई नहीं देख सकता, हर कोई इसका दर्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं भगवान की लीला तो नित्य है। आप देखो आज भी अगर निधिवन सेवा कुंज वृंदावन में कौन लोग गए हो? वृंदावन गए हो आप लोग? वृंदावन में देखना अभी भी निधिवन सेवा कुंज स्थान है, वहां पे जाकर देखोगे रात के समय पर कोई नहीं रुकता, बंदर तक भी वो वन छोड़ के चले जाते हैं। और वहां पर क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाएं होती है, रात में स्वयं वहां पर कुंज सजता है, राधा कृष्ण का मिलन होता है, सखियों के साथ में रास विलास होता है। अभी भी भगवान की लीला उन स्थानों पर होती है, लेकिन हम नहीं देख पाते। जानते हो क्यों? जैसे इस द्वार के पार भी कोई चीजें हैं, हमको दिख रही है? नहीं दिख रही ना, क्योंकि हमारी आंखों में डिफेक्ट है, हमारी आंखें खराब है ना। जिन लोगों को चश्मा लगता है वही क्या दिक्कत है आंखों से, उन जिन आंखों से दिखता नहीं चश्मा लगाने के बाद में दिखने लग जाता है, होता है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं हमारी आंखों पे अभी एक पर्दा लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब का पर्दा लगा हुआ है, इसलिए अभी हमको भगवान की लीला दिखती नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ना बड़ा सुंदर एक उपाय बताते हैं, बोले भगवान की लीला यदि दर्शन करनी हो तो कैसे कर सकते हो? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदेव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, अपनी आंखों में यदि प्रेम का काजल लगा लोगे तो भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन होने लगेगा। ठाकुर को दर्शन करना चाहते हो तो अपनी आंखों में प्रेम भर लो। लेकिन हमारी आंखों में क्या भरा है अभी? इस संसार की वासनाएं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भावना, काम, क्रोध, तो हमारी आंखों में ये दोष होने के कारण ही हम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रहे, वो लीला का दर्शन नहीं कर पा रहे। सानिध्य ऋषि ने बड़े सुंदर रूप में ये सारी बातें बचना और उन्हें समझाने लगे। अभी भी देखो ठाकुर जी कई सारे हमारे संप्रदाय में तो इतने सारे उदाहरण है कि भगवान साक्षात भक्तों से बात करते हैं। आप लोगों मदन मोहन मंदिर गए हो? मदन मोहन जी का नाम सुना है? वृंदावन में मदन मोहन मंदिर है, वह उनको किसने प्रकाशित किया? हमारे सनातन गोस्वामी, हमारे संप्रदाय के संत जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। ये बाबा का क्या प्रत्येक दिन नियम था, ये रहते थे वृंदावन में, वृंदावन से रोज रोज जाते थे गोवर्धन, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, फिर वहां से आते थे मथुरा, मथुरा में भिक्षा करते थे और भिक्षा करके और पुनः वापस आ जाते हैं वृंदावन पैदल पैदल। पहले के समय में तो गाड़ी वगैरह थी नहीं, रोज वृंदावन से गोवर्धन जाना, वहां की परिक्रमा करना, मथुरा आके भिक्षा करना और फिर वापस वृंदावन चले आना। एक समय जब ये मथुरा में भिक्षा करते करते किसी चौबाइन के घर गए तो उस समय पर देखा कि कृष्ण स्वयं, ये मदन मोहन ठाकुर, ये स्वयं उस चौबाइन के बेटे के साथ में खेल रहे थे। बेटे के साथ में खेलते खेलते कृष्ण हार गए,
हार गए तो उस जो उसका बेटे का नाम था सदना, और इस मदन मोहन को प्यार से वो चौपाई बुलाती थी मदना। तो ये मदना और सदना ये दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते जब कृष्ण हार गए तो क्या किया उनको, कृष्ण ने उनको घोड़ा बना के चलाना पड़ा। कृष्ण स्वयं घोड़े बन गए और सदना को अपनी पीठ पर बिठा बिठा कर चलाया। और ऐसे इसका खेलते खेलते जब सनातन गोस्वामी ने उनको देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या हो रहा है। जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, जिनके एक इशारे मात्र से ये 14 भुवनों की सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, वो आज घोड़ा बन के और किसी साधारण पुरुष को ढो रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय पर उन्होंने क्या किया, वहां जो चौपाई थी उससे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा ये दोनों मेरे ही बेटे हैं, मैं इनको अपने पुत्रवत ही रखती हूँ। चौपाई को देखा तो क्या कर रही थी, खिचड़ी बना रही थी ठाकुर के लिए। और जानते हो कैसे बना रही थी, पहले के लोग ब्रश तो टूथब्रश तो था नहीं, नीम की छड़ी से दातुन कर रही थी, दातुन के एक हिस्से से अपने दांत घिस रही है, दातुन के दूसरे हिस्से से खिचड़ी चला रही है। आप बताओ ठाकुर जी के लिए ऐसे भोग बन रहा है ठाकुर जी के लिए। तब सनातन गोस्वामी उन्हें समझाने लगे, देखो मैया तुम जिसके लिए भोग बना रही हो वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े शुचि रूप करके स्नान करके नए वस्त्र पहन के और साफ सुथरे तरीके से भोग बनाया करो। बोले बाबा हम तो कुछ जाने ना है, तू कह दियो तो कल से कर लूंगी। ठीक है, ऐसा ही कल से चालू किया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी भिक्षा करते करते आए, देखा कि उनके दोनों पुत्र सदना और मदना जोर जोर से रो रहे हैं। बोले कल कहाँ से कोई बाबा आ गया, हमारी माँ को ना जाने क्या शिक्षा देकर गया, हम दोनों यहाँ भूखे रो रहे हैं, कब माँ आएगी, कब शौच करके आएगी, कब बनाएगी, कब हमारा पेट भरेगा। जैसे ही सनातन गोस्वामी ने ये चीज देखी वो तो गदगद हो गए, प्रेम में विभोर हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। इसलिए भगवान जो है ना ही तो खिचड़ी खाते हैं, जो शुचि से बना हुआ हो या अशुचि से बना हुआ हो, भगवान उसकी खिचड़ी नहीं खाते थे। जो उस चौपाइन का भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान तो केवल मात्र भैयास्वादन करते थे, है ना। इसलिए कहते हैं एक भजन है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे मदन मोहन जी के पीछे लग गए कि बाबा मुझे अपने साथ ले चलो। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को छोड़ रहे हैं, बोले तेरे बाबा के पास में 9 लाख गैया थी, फिर भी तू घर में माखन चोरी कर करके खाता था, और मैं तो पक्कड़ बाबा हूँ, 2 घर से चून मांग लेता हूँ, जैसा मिल गया उसको गीला करके आग में दे दिया, वही खा लेता हूँ,
अरे तेरे लिए मैं भोग की व्यवस्था कहाँ से करूंगा, मैं तुझे अपने साथ में नहीं ले जा सकता। मदन मोहन यहाँ पर जिद कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के साथ जाने के लिए। जिस ठाकुर की सेवा के लिए अनेक अनेक लोग भक्त लालायित रहते हैं, वो ठाकुर आज अपने भक्त के पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या कारण है? उनका प्रेम ही तो है ना। ठाकुर जी की जिस प्रकार का प्रेम है उनके प्रति, उनके हृदय में, वो कृष्ण को भी आकर्षित करके और उनके पीछे पीछे जाने को मजबूर कर दे रहा है। सनातन गोस्वामी को ले आए, वृंदावन में एक साथ नहीं रहते थे। अभी सनातन गोस्वामी जो क्या करते थे, आटे का एक टिप्पण बनाया, उसी को आग में दे दिया, उसी को खा लेते थे। वो ही ठाकुर जी को भी भोग लगाया। एक दिन मदन मोहन जी कहने लगे, बोले सनातन इसमें थोड़ा सा नमक तो दे दिया कर। बोले देखो मैंने यह क्या कहा था, याद करो, आज नमक मांग रहे हो, कल बोलोगे थोड़ा सा मक्खन डाल दो, परसों कहोगे भैया खीर भी बना दो। मेरे से ये सब नहीं होता, अगर चाहो तो अपने आप व्यवस्था कर लो। बाद में परवर्ती काल में सनातन जी, मदन मोहन जी ने स्वयं ही व्यवस्था करी और आज जो भावी मंदिर हम लोग देखते हैं मदन मोहन जी का, उसका निर्माण हुआ है। ऐसे कई कई उदाहरण है हमारे संप्रदाय में, तो अनेक ऐसे प्रमाण है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि ठाकुर जी अभी भी अपनी लीला करते हैं। किसके साथ में? एकमात्र अपने प्रेमी भक्तों के साथ में। सांडिल्य ऋषि यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं उनको कि देखो तुम ब्रज के सारे लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, जो जो भी लीला स्थली भगवान ने जहाँ पर रास इत्यादि किया, जहाँ पर वेणु बजाई, जहाँ पर असुरों का मारण हुआ, सारी लीला स्थलियाँ कालक्रम के प्रभाव से लुप्त हो जा रही है, तुम इन सबको प्रकाशित करो और बाद में तुम्हें उद्धव जी का दर्शन होगा। उद्धव जी के दर्शन से ही तुम्हारी ये कृष्ण विरह की शांति, ये कृष्ण विरह में शांति प्राप्त होगी। अभी एक दिन द्वारका की सारी महिषियां कृष्ण प्रेम में बड़ी दुखी हो रही थी और दुखी होकर उन्होंने कालिंदी श्री यमुना को देखा। यमुना बड़े आनंद में थी, बोले यमुना से प्रश्न करने लगे कि यमुने तुम भी कृष्ण प्रिय सी, हम भी कृष्ण प्रिय सी, हम तो कृष्ण के विरह में इतनी दुखी हैं, लेकिन तुम्हें देखते हो तुम्हें तो कोई कृष्ण का विरह ही नहीं, तुम बड़े आनंद में कल्लोल करते हुए और बहती जा रही हो, इसका क्या कारण है? तब कालिंदी यहाँ पर यमुना स्वयं उत्तर देती है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहो अस्मान् न संस्पृशेत। कहती है श्रीमती राधा रानी का दासत्व मैंने स्वीकार कर रखा है, मैं अभी भी जानती हूँ कि कृष्ण इस ब्रज धाम को छोड़कर कहीं नहीं गए और एकमात्र श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही इस बात को समझा जा सकता है। ब्रज महिषा यहाँ पर द्वारका की महिषा कहने लगती है कि चलो हम भी तब श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेंगे। और हमने सुना है कि उद्धव जी जब वे भगवान यहाँ से जा रहे थे तो उद्धव जी को दिव्य ज्ञान बतला कर गए हैं, हम क्यों ना चलो उद्धव जी के पास में भी चले। सब द्वारका के परिकर अभी आए हैं उद्धव कुंड पे। गिरिराज गोवर्धन में आप लोग गए हो? गिरिराज गोवर्धन में देखना, छोटी परिक्रमा करते करते एक स्थान है उद्धव कुंड। उद्धव कुंड पे उद्धव जी आज भी घास के रूप में भजन कर रहे हैं। सब द्वारका के परिकर जब वहां पर पहुंचे और बड़े आनंद से कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते करते वहां पर कृष्ण साक्षात उद्धव जी प्रकट हुए। साक्षात एकदम कृष्ण के जैसा ही स्वरूप, पीतांबर पहने हुए थे, गले में वैजयंती माला थी, मुकुट धारण कर रखा था और उद्धव जी का दर्शन करते ही सारे ब्रजवासी, सारे द्वारका के परिकर बड़े आनंदित हुए। उनसे प्रश्न करते हैं कि कृष्ण जब अपने निज धाम को गए थे तो आपको बड़े रहस्य की बातें बतला कर गए, हम भी बड़े कृष्ण विरह में पीड़ित हैं, आप हमारे विरह को शांत करने के लिए कुछ उपाय कीजिए। तो उस समय पर उद्धव जी ने इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पारायण किया। एक महीने तक उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सारे द्वारका के परिकरों को सुनाई और जब कथा शेष हुई उसी समय पर साक्षात युगल किशोर का उनको दर्शन हुआ। उद्धव जी जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करवा रहे थे, सारे द्वारकावासी एकाग्रचित होकर श्रवण कर रहे थे और भागवत की इतनी महिमा गाई उद्धव जी ने, कहते हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है, अपने गुरुदेव से श्रवण करा हुआ, श्री बृहस्पति से श्रवण करा हुआ एक उपाख्यान बतलाने लगे। कभी ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों ने भगवान कृष्ण के पास में गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु आपने जो मुझे सृष्टि का कार्य दिया है, ये सृष्टि का कार्य ये क्या है, रजोगुणी है, इस वजह से मैं इस गुण में आवृत नहीं होना चाहता, तो आप कुछ मुझे उपाय बताइए कि मुझे ये गुण स्पर्श ना करे। तो यहाँ पर भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करो।
आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, भागवत का पाठन करो। अभी जब ब्रह्मा जी को रजोगुण से निवृत्ति चाहिए होती, जानते हो क्या करते हैं? एक हफ्ता तक ये भागवत की कथा श्रवण करते हैं, और अकेले नहीं, अपने ब्रह्माणी के साथ में, है ना। इसलिए गोस्वामी जी बड़ा सुंदर एक दोहा बोलते हैं, कथा है तुवेति भवन विधाई, 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 शनि वर्त हो रही हो तो ब्रह्मलोक छोड़ के दौड़े दौड़े आते हैं, और साथ में शारदा को भी लेकर आते हैं। दोनों पति पत्नी यहाँ पर युगपत से हरि कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी कथा करते हैं, सरस्वती शारदा मैया बड़े एकाग्रचित होकर सुनती है। लेकिन जब शारदा जब ब्रह्माणी कथा करती है, उस समय पर दो हफ्ते तक कथा चलती है। ब्रह्मा जी ने तो कथा करी एक हफ्ता, और उससे भी सुंदर रूप में व्याख्या करके ब्रह्माणी दो हफ्ते तक कथा करती है। अभी विष्णु जी कहने लगे कि आपने मुझे कार्य दिया है यहाँ का मेंटेन करने का, सृष्टि स्थिति का, तो आप बताइए मैं इस गुण से कैसे निवृत्त हो जाऊं। तब इन्हें भी भागवत कथा श्रवण और कीर्तन करने का आदेश दिया। तो जब विष्णु जी कथा करते हैं, वे भी श्रीमद् भागवत कथा से ही इन त्रिगुणों से निवृत्त होते हैं। एक महीने तक हरि कथा श्रवण चलता है, और लेकिन जब लक्ष्मी जी व्याख्या करती है तो दो महीने तक। शंकर जी भी वहां पर उपस्थित थे। शंकर जी ने प्रश्न किया कि आपने मुझे संघार का कार्य दिया है, और संघार का कार्य तमोगुणी है, तो मैं इस तमोगुण से कैसे निवृत्त हूँ? तो उस समय पर शंकर जी को भी भगवान ने उपदेश दिया श्रीमद् भागवत श्रवण कीर्तन का। एक साल तक शंकर जी बड़े विस्तृत रूप में भागवत का कीर्तन करते हैं, लेकिन जब पार्वती वो कीर्तन करती है तो दो साल लग जाते हैं। इस तरह से अपने गुरुदेव से श्रवण करीबी ये आख्यान सुनाते हुए उद्धव जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है कि यदि श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्र भगवान कृष्ण विराजित पल्लवीभिर् विराजित। कह रहे हैं कि अगर भागवत का एक श्लोक, कलम सुन रहे थे ना गुरुदेव से भी, अगर किसी भागवत का कोई एक श्लोक श्रवण करे, एक श्लोक नहीं आधा श्लोक, या केवल एकमात्र चरण ही यदि कोई श्रवण करे, उसका कीर्तन करे, तो वहां पर उस स्थान पर भगवान कृष्ण स्वयं आकर्षित होकर विराजमान हो जाते हैं। इतना सर्वश्रेष्ठ ये ग्रंथ है। तो भागवत की इस प्रकार स्कंद पुराण में महिमा बतलाने के बाद में वहां पर श्रोताओं का निरूपण कर रहे हैं। कल गुरुदेव ने उसके बारे में पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं और जल्दी बोल के अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। वांछा कल वैश्य कृपा सरणी रानी होए जहां सबर।
ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुविदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन्म प्रभजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रीति तन्मयतयातर भूविनेदु स्तं सर्वभूतहृदय मुनिमान तस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ धर लो। बल हरे कृष्ण 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 विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति के दांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताई भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को, और ये भी श्रवण कर रहे थे कि श्रोता दो तरह के हैं। कितने तरह के श्रोता हैं? एक है श्रेष्ठ श्रोता और एक है साधारण श्रोता। कभी जो श्रेष्ठ श्रोता वो चार ही तरह के हैं। आप बता सकते हो चार तरह में क्या क्या किसको याद है? बोलो कौन बोले? एक नंबर बता दो। एक श्रोता है कौन बोलेगा? हाथ उठा। हाँ, एक हंस है। इसलिए कहते हंस का उदाहरण क्यों दिया? कहते हंस को जैसे दूध दो, वो दूध दूध को तो पी लेता है लेकिन पानी पानी छोड़ देता है। इसलिए हमें भागवत का सार सार तो लेनी चाहिए और असार को हमें छोड़ देनी चाहिए। पहला नंबर हंस है। दूसरा नंबर क्या है बोलो? मछली। मछली को उदाहरण क्यों दिया? मछली को देखिएगा, उसका जो आँख है ना, वो कोई पलक नहीं झपकती है, वो आँख हर समय खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? आँख बंद करके नहीं, आँख खोल करके कथा, मतलब कथा की कोई भी एक अक्षर हमें मिस नहीं हो जाए, इसलिए ये मछली को उदाहरण दिया। दूसरा नंबर क्या है? मधुमक्खी। कहते एक मक्खी और एक मधुमक्खी। ये मक्खी क्या करता है? वो सब गंदी चीज के ऊपर बैठेगा लेकिन अच्छी चीज में नहीं बैठेगा। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठेगा? वो फूलों के ऊपर बैठेगा, वो मधु शहद का आहार करता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बन करके, हमें कथा की दोष नहीं देकर कथा की गुण को हमें स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर मधुमक्खी को उदाहरण दिया। चौदह नंबर क्या है? ये है कि ये एक तोता है। जो तोता में एक विशेष गुण है
वो किसी कच्चा फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा पका फल और कौन सा कच्चा फल। वो पका हुआ फल में ही अपना चोंच मारता है। इसका मतलब है हमें जहाँ तहाँ मुँह नहीं मारनी चाहिए, ऐसे नहीं जहाँ पर चुगली हो, दूसरे की बुराई हो, वहीं पर बैठ करके अपना समय को वहीं पर बर्बाद करने। हमें मुँह मारनी चाहिए भगवान की कथा जहाँ पर हो। इसलिए पंचवा नंबर क्या है जो बोलेगा उसमें इनाम मिला। मैं कल पांच तरह का श्रेष्ठ श्रोता बताया था, आपने तो चार तरह का बताया था। हाँ, ये चातक के लिए ताली बजा। इसलिए ये चातक है, ये एक चिड़िया है, इसका एक विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? वो किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। भले ही गंगा पानी क्यों नहीं हो, कहते एक पेड़ था जो गंगा किनारा में, उसी के ऊपर में कोई चातक पक्षी बैठा हुआ था, एक बहल यानी उसको मारा बाण, मारते ही तीर वो सीधा पानी में गिरा, लेकिन पानी में गिरते ही मुंह बंद कर दिया। बोले क्यों? यद्यपि ये गंदा पानी है लेकिन पीऊंगा तो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीऊंगा और कहीं का पानी हमें नहीं मिली। मतलब क्या है? कथा सुनेंगे तो केवल ठाकुर जी की ही कथा सुनेंगे, दुनियादारी किसी बात को हमें नहीं सुननी चाहिए। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं कि जो दो कान प्रभु ने दिया है, कहते अगर ये कानों से अगर कोई कृष्ण कथा नहीं सुन करके दुनियादारी की बात सुने, बल कान नहीं तो दो बील है, जो बील में का जहरीले केवल सर्प ही जिसमें निवास करता है, हैं ये कान का ना बील है। इसलिए अगर कृष्ण कथा सुनो तो तभी ये कान की सार्थकता है। इसलिए हमें और तीन तरह का श्रोता है, एक श्रोता है और एक श्रोता है और एक श्रोता है। बोले श्रोता मतलब क्या? कहते वो आ करके देख करके बैठते ही कहाँ पर बैठने पर बढ़िया नींद आएगी, हैं वो देख देख करके बैठेगी, बस कथा होते ही सो जाते हैं। लेकिन जब कथा विश्राम होता है ना, फिर जब बोलते वृंदावन बिहारी लाल की, फिर ये आंख खोलती है। एक छोटी सी कथा सुन लो, ऐसे कोई एक श्रोता था, वो क्या करता था, उसका जो पोता होता है ना, वो ला करके ठीक कथा को सामने बैठा करके वो पोता चला जाएगा, खेलता कूदेगा, जब कथा विश्राम होगा उसको ले करके जाएगा उसको दादा को, लेकिन कथा को सामने बैठेगा और कथा शुरू होते ही पास हो जाएगा। अगर सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ, देखो जो श्रोता है ना उसको देख करके वक्ता के हृदय में भावना आती है, अगर श्रोता अगर सो जाए फिर वक्ता फिर डोकता रहेगा। इसलिए जो श्रोता है उनको अच्छा श्रोता होनी चाहिए, जो मछली जैसे टकटक लगा करके आँख बंद करके नहीं आँख खोल करके कथा सुने। अभी वक्ता तो दुखी दुखी एक मतलब सामने बैठता है, आकर के कहीं साइड में बैठे और आ करके बस कथा शुरू हो गया, सो गया। फिर जब कथा विश्राम होता है बोले श्रीमद भागवत कथा मृतावृति, फिर वो जगेगा, वो इतने विरक्त तो होता है, इतने दुखी दुखी हो जाता है, उसको पोता को बोला बोले भैया क्या बात है, जब कथा होता है तुम अपना दादा को बैठा कर चली जाओ तो कहाँ जाते हो? बोले मेरे दादा मेरे को रोज 2 रुपया देते हैं, इसलिए मैं ला कर कथा में बैठा देता हूँ, मैं खेलता कूदता फिर कथा को बाद में ले जाता हूँ। बोले देख तेरे को मैं 4 रुपया दूंगा, कल तुम अपना दादा को पास में बैठना, उसको सोने नहीं देना, जब झपकी आए ना हाथ में उसको मारते रहे। बेचारा पूरी कथा में सो जाता था, लेकिन वो वक्ता ने बोला 4 रुपया दूंगा, वो तो गया नहीं, जो 4 रुपया मिलेगा क्यों जाएगा, बस बाबा को तो बिस्तर में सोए कथा में नहीं दी, झपकी आते ही उसको मारे, पूरी 1 घंटा तो उसको सोने नहीं दिया। बाबा दुखी हो गए, बोले बेटा क्या बात है, तू मेरे को छोड़ करके चला जाता था आज बैठा क्यों? बोले आप तो मेरे को 2 रुपया देते थे, इसलिए कथा कह रहे ना, मेरे को बोले 4 रुपया दे दे। बोले चिंता नहीं, कल से तू चला जाना, तेरे को मैं 8 रुपया दूंगा। इसलिए इसको कहते हैं श्रोता, जो कथा में आकर के सो जाए, है। दूसरा नंबर है श्रोता। श्रोता मतलब है जिनको कथा पता से कोई भी मतलब नहीं, आ करके केवल दोष ही दोष ढूंढना है। बोले यहाँ पर तो तोता लगाया है,
यहाँ पर केले का पेड़ कहाँ है? ये नवग्रह का तो कोई पूजा पूजा हुई नहीं, बाबा आए और सीधा कथा सुनाना शुरू कर दिए। जिनकी कथा से कोई मतलब नहीं, जिनकी केवल दोस्त देखना ही मतलब है। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी अब भागवत कथा सुनेंगे, जब परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, जब उन्होंने गंगा किनारा में आश्रय लिया जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग आए, तब उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन जब कोई सही सही उत्तर नहीं दिया, ठाकुर जी के चरण में शरणागत हुए, तो ठाकुर जी सुखदेव गोस्वामी रूप में आए। बस आए परीक्षित महाराज, प्रश्न किया, प्रश्न करते उन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया। वहाँ कहाँ आता है नवग्रह पूजा की, कहाँ आता है गणेश पूजा की, कहाँ ये सब चीज होती है? नहीं होती है। क्यों? भागवत ये साक्षात भगवान कृष्ण है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण है। जब उनकी कथा उनकी पूजा हो गई ना, 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो गए। कितना जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सबको, उसको पर सबके साथ अपने आप कृपा कर देते हैं। जो भगवान की जो कथा ही इसमें मूल है, हैं? इसलिए वहां पर कोई पूजा पूजा की कोई बात वहां आती नहीं। इसलिए कहते हैं उनका नाम बोले सरोता, जो केवल दोष देखने आते हैं, जिनसी कथा से कोई मतलब नहीं। और तीसरा नंबर श्रोता, अभी सुनाया 5 तरह के श्रोता है, जो अच्छे श्रोता है। इसलिए हमें कथा की सारांश ग्रहण करना और अपना जीवन में कथा को उतारना, हम बस जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 भगवान का नाम को लिवा करते, बोले कारण क्या जानते हो? ये जो भागवत का जो सार है ना, वो ठाकुर जी का नाम ही सार है। आज विशेष करके एकादशी है, आज का दिन तो जो एक बार ठाकुर का नाम लेगा ना, उसको 100 बार नाम लेने का फल मिलेगा। क्योंकि भागवत ग्रंथ में एकादशी की विशेष महिमा भागवत ने बताया, और ये भगवान की सबसे प्यारा व्रत श्री एकादशी व्रत है। इतने प्यारी व्रत दुनिया में कुछ नहीं, ये एकादशी व्रत ठाकुर जी का जितना प्यारा है। इसलिए मानो जो एक सप्ताह तक तो जब एक बार नाम लेते हैं ना, यहाँ पर कितने भक्त, मानो 100 भक्त बैठे हुए, लेकिन ये नाम तो आपने एक बार हरे कृष्ण नाम लिया, लेकिन यहाँ जितने भक्त सबके सब प्रभु का नाम लिया, सबका नाम तुम्हारी कानों में पड़ा, लेकिन नाम तो एक बार लिया आपने, लेकिन 100 बार नाम लेने का फल आपको बैठ बैठ कर मिल गया। अगर 100 बार फल मिल गया ना, कहते आज एकादशी, एक बार नाम लोग तो 100 बार नाम फल मिलेगा, तो कितना हो गया आपका, 100 में 100 गुण तो कितना हो गया। इतने महिमा यहाँ बैठ बैठ करके ना, आप इतने पुण्य इतने सुकृति अर्जन कर रहे हो जो सोच नहीं सकते। इसका फल ठाकुर जी एकदम भरपूर करके ठाकुर जी आपको फल प्रदान करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जन्मादस्य चतुर्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिन्न स्वरा तेने ब्रह्म हृदाज आदितवै मुह्यन्ति जत सूरयो तेजो वरिमृदं यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गं मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यंग परम धीमहि। जब से सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, कहते 3 श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। कहते मंगलाचरण का मतलब क्या है? बोले मंगलाचरण का मतलब है, अगर कोई भी आप घर में काम कर रहे हो, गुरु जी को ठाकुर जी को स्मरण करते हुए कोई भी काम करोगे ना, इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, उसमें कोई अमंगल नहीं है। क्योंकि चूंकि आप ठाकुर जी का नाम को लेकर कोई काम कर रहे हैं, इसलिए जब उन्होंने प्रारंभ किया है, सबसे पहले 3 श्लोकों को द्वारा ठाकुर को उन्होंने प्रणाम किया। जब ठाकुर जी को प्रणाम किया, किसको प्रणाम करते हैं? बोले सत्यंग परम धीमहि, कहते तो वो परम सत्य को ध्यान करते हैं। बोले क्यों? कहते ना सत्यमेव जयति, जय किसका होता है? सत्य का ही जय होता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों के पक्ष में कितना सैनिक थे? 7 अक्षों में।
और पूर्व पक्ष में कितना अपमान सह रहे थे, 11 अपमान। और दुर्योधन पक्ष में पितामह भीष्म जिनकी इच्छा मृत्यु, द्रोणाचार्य ये गुरु, कर्ण कवच को लेकर के जन्म ग्रहण किया, एक से एक बड़े वीर थे। लेकिन पांडवों के पक्ष में क्या था, सत्य था, भगवान कृष्ण थे, केवल 7 अपमान सैनिक थे। लेकिन जय हुई तो किसकी जय हुई है, किसका जय हुई है, पांडव का जय हुआ। इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम उन्होंने सत्य को ही प्रणाम करते हैं, वो परम सत्य को हम सबके सब प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ प्रश्न आता है, बोले भैया वो परम सत्य है कौन, कहते जो परम सत्य है ये भगवान कृष्ण ही, ये परम सत्य है, हैं? इसलिए आप देखना जीवन में जो कुछ करना करो, लेकिन जब अंतिम समय में शरीर छूटता है ना, लोग क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, कहते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। इसलिए जगत में सत्य हो तो सत्य क्या है, बोले भगवान का नाम ही, ठाकुर ही जगत में सत्य है। यहाँ पर भगवान कृष्ण को यहाँ प्रणाम किया है। लेकिन यहाँ पर जो रस्सी की टीकाकार लोग कहते हैं, भैया यहाँ पर केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे, कहते उनको साथ मिश्री राधा रानी को भी यहाँ पर प्रणाम करते हैं। बोले कारण है, राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए अगर आप वृंदावन जाओगे, लेकिन देखना वहाँ पर कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेते, वहाँ पर किसका नाम लेते हैं, सबके जोर से बोलो, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते, कोई कृष्ण नाम नहीं लेते हैं। बोले कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते, कृष्ण राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, कृष्ण खुद कहते हैं, बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तम। अगर किसी ने केवल रा अक्षर बोल दिया ना, कृष्ण कहते मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ, इसको मैं क्या दूँ, मेरे राधा रानी का रा शब्द बोल दिया, कृष्ण कहते हैं मैं अपनी आप को उसको दे देता हूँ। बोले भैया आज से मैं तेरा बन गया, आज से मैं तेरा बन गया। अगर किसी ने धा बोल दिया ना, कृष्ण कहते ये 2 अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे 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 भागते रहता हूँ। इसलिए ब्रज में एक भजन गाते हैं ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो अकेला कृष्ण को पूजा करते हैं ना, वो अज्ञानी है। राधा अनाद और करय अभिमानी, जो व्यक्ति राधा रानी को छोड़कर केवल कृष्ण को पूजा करते हैं, हमारे संत लोग कहते भैया ऐसे व्यक्ति का संगमत क्या करो। अगर तुमको ब्रज भक्ति पाना चाहते हो,
ऐसे भक्ति का संगम मत करो तो जो कृष्ण अकेले पूजा करते हैं वो अज्ञानी वो मूर्ख लोग हैं, उनको बताए। इसलिए कृष्ण कब मिलेंगे, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते अगर तुम्हारे अंदर में ये अभिमान आ गए, देखो इसको गांठ बांध लो, कौन सा अभिमान आने पर कृष्ण सबसे जल्दी से जल्दी तुमको मिल जाएंगे। वो संत कहते हैं राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे रोक लो का। अगर तुम्हारे अंदर में ये अभिमान हो गया हम श्री राधा रानी की दासी है, फिर तो कृष्ण पाने में कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण जल्दी से जल्दी तुमको कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए ये चीज को अच्छे तरह से गांठ बांध कर लग लो। क्या गांठ बांध लोगे, हम किसकी सेविका है, राधा रानी की। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो राधा रानी। इसलिए हम लोग जो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहले जो हरे शब्द लेते हैं किसका नाम है, ये राधा रानी का नाम है। इसका मूल शब्द हरा, संस्कृत पढ़े हो, कौन कौन संस्कृत पढ़े, थोड़ी बहुत जान पाता तो थोड़ी बहुत जो संस्कृत पढ़े, कोई नहीं पढ़े। जैसे स्कूल में ना रमा शब्द लता शब्द, जैसे लता लते लता लताम लती, जो शब्द रूप है वो आकारांत स्त्रीलिंग है रमा शब्द, लेकिन देखा वो संबोधन में है लते हो जाता है, रमा शब्द संबोधन में है रमे। इसलिए मूल शब्द हरा, हरा मतलब क्या होता है, अपना प्रेम और भक्ति को द्वारा कृष्ण की मन प्राण चित्त को जो हरण करती है वो हरा है, और जब संबोधन हो जाता है हे हरे मतलब हे राधिके। इसलिए हमें पहले हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण। इसलिए पहला श्लोक में सर्वप्रथम श्री जुगल सरकार की वंदना करते हैं। इसलिए राधा कृष्ण दोनों को हमें भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री जुगल सरकार की। मंगलाचरण की जो दूसरा श्लोक है कहती है प्रतिज्ञा है। बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है, जैसे किसी बात को जब हम तीन बार बोल देते हैं ना वो त्रिशब्द हो जाता है, वो पक्की हो जाता है, हैं? उसी तरह दूसरे श्लोक में तीन बार भागवत प्रतिज्ञा किया है, अगर कोई ये भागवत कथा सुनेगा तो उसको मिलेगा क्या। ये भागवत ग्रंथ में है क्या चीज, इसमें पहला बार बताए बोले धर्म प्रोजीत तैतव अत्र, अत्र मतलब होता है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जितने कपटता धर्म यहाँ पर है नहीं, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम धर्म अर्थ काम की बात नहीं, यहाँ तक भी भागवत से मुक्ति को भी निकाल दिया। भक्त मुक्ति नहीं चाहते, भक्त क्या चाहते हैं, तुम्हारी चरण की सेवा चाहते, ठाकुर के चरण की भक्ति चाहते हैं। इसलिए जहाँ पर सारे कपटता को छोड़ करके, क्योंकि हम जीव कौन हैं, बोले जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान के बच्चे हैं। जब भगवान के बच्चे हैं तुम्हारी कर्तव्य क्या है, तो ठाकुर को सेवा करना, यही तुम्हारी कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर कोई कपटत धर्म नहीं, जहाँ पर शुद्ध रूप में ठाकुर को सेवा की बात बताए। दूसरा अर्थ अत्र क्या है, बोले वेद्यम वास्तवम मत्रम, कहते हैं भागवत ग्रंथ में जो वास्तव सत्य जो भगवत प्रेम जहाँ पर प्रकाशित की गई। और जो तीसरा अत्र है ना, देखो भागवत कथा कितने महिमा, जगत में एक नियम, अब रामदेव बाबा का जोगा देखे हो, कौन कौन रामदेव बाबा का जोगा टीवी में दिखा तो रहा होगा, कौन कौन जोगा देखे रामदेव बाबा का, उठा जोगा देखे हो, लेकिन देखना केवल जोगा देखने से तुम्हारी कोई फायदा नहीं होगा, जब तक जीवन में नहीं करोगे, बिना किए हुए फल मिलेगा देखने पर कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन देखो ये भागवत की कितने महिमा, जैसे आप घर में बैठे हो आपको पता चला ये धर्मशाला का नाम क्या, नारायण जगन्नाथ धर्मशाला में यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, आपको ये बात केवल पता चल गया, अगर मन में इतनी इच्छा हो गई ना भागवत कथा सुनने में जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगा, केवल इच्छा हो गई, इच्छा मात्र सही ठाकुर जी उसकी हृदय में आ करके, जैसे एक व्यक्ति किसी घर में घुसे और अपने आप को अंदर से कुंडी से बंद कर दे, उसी तरह बांके बिहारी
केवल सुनने की इच्छा मात्र से हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और अपने आप को बंद कर देते हैं, उसके हृदय से ठाकुर निकल नहीं सकते हैं। केवल इच्छा मात्र से ही, अभी तुमने कथा में आई नहीं, कहते अगर सचमुच से कोई कथा में आकर बैठ जाए, सुखदेव गोस्वामी कहते भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं। अभी सुन रहे थे ना, जो रस स्वर्ग में भी नहीं, जो आनंद ब्रह्मलोक में भी नहीं, जो रस वैकुंठ में भी नहीं, जो रस कैलाश में भी नहीं है, कहते वो रस कहाँ पर, बोले भागवत कथा में ही वो रस है। इसलिए भागवत कथा सुनने के लिए देवताओं को स्वर्गलोक छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ता है, शंकर जी को कैलाश लोक छोड़ना पड़ता है और वरुण जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को कुछ छोड़ना पड़ा, घर बार घर छोड़ना पड़ा नहीं, कहते कथारूपी गंगा वृंदावन से बहते बहते तुम्हारी घर को सामने आ गई, तुम घर को सामने बैठी बैठी कर स्नान कर लिया, बोले तुमसे बड़े सौभाग्यवान कोई है नहीं। इतने महिमा केवल ये भागवत सुनने की इच्छा रखने वाला तो इतने महिमा। इसलिए कल सुन रहे थे ना, ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। तीसरी श्लोक में कहते हैं आप कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे, कल बोल रहे थे ना, जिनकी संतान नहीं भागवत उन्हें संतान प्रदान करती है, जो दुखी है भागवत उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन है भागवत उसे धन प्रदान करते हैं, जो रोगी उसे निरोग प्रदान करती है। इसलिए भागवत ये कल्प वृक्ष जो मांगोगे अगर नियम से सुनो कथा को, कैसे सुनना पड़ेगा, केवल भागवत कथा को नियम से सुन लो, 7 दिन में भागवत क्या करती है, सारी इच्छा को तुम्हारी पूरी कर देगी। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम। इसलिए कहते निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालय मोहर रसिका भूमि भागवता। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया ये भागवत तो कल्प वृक्ष है, लेकिन एक चीज को सावधानी कराते हैं, ध्यान देकर समझ, कहते जो मांगोगे तो वही दे देगा, लेकिन कहते सोच विचार करके मांगो, छोटी मोटी चीज को मत मांगो, ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो ना इसी जीवन में कहते सुखी रहो और उसको बाद में ना जन्म जन्मांतर मिले, तुम आनंद आनंद मिल जाए, ये चीज को मांगा करो। देखो एक छोटी स्टोरी सुनो, बोले एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति ने शंकर जी की पूजा की, शंकर जी खुश हो गए, बोले बेटा बर मांगो, लेकिन वो था अंधा। शंकर जी बोले बर मांगो, बोले मेरे को 3 वर चाहिए, लेकिन वो अंधा था, वो पहले ही सोच करके आया था, शंकर जी अगर बोलेंगे बर मांगो ना 3 चीज मांगूंगा, 3 वर, पहला वर मांगूंगा मेरे को आंख मिल जाए, दूसरा वर मांगूंगा कुछ हमें कुछ धन दौलत मिल जाए, और तीसरे वर मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, वो पहले ही सोच करके आया था। लेकिन शंकर जी बोले भैया ऐसे नहीं, जो मांगना एक ही वर मांगो, एक वर से जो मांगना एक वर से मांगना पड़ेगा। लेकिन वो बड़े चतुर था, बोले कोई बात नहीं एक ही वर दे दो, देखो क्या मांगता है, बोले मैं अपना बेटे को राज है कहते राज दरबार में छत के ऊपर में, कहते मैं अपना बेटे को हाथी के पीठ के ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए मैं देखूं, यही बर दे दो। शंकर जी ने देखा बड़ा अच्छा लग गया, कहते क्या मांग रहा है, बोले कहते राज दरबार में, कहते क्या, कहते हाथी के ऊपर में, हाथी के ऊपर पहले कौन बैठते, राजा महाराज बैठते थे, बोले सोने के कटोरी में, सोने की कटोरी में कौन दूध चावल खाएगा, जो धनी व्यक्ति। फिर कहते अपना बेटे का देखूं, अब बेटा कब होगा, जब शादी होगा, बोले देखूं, देखेगा कब, जब आँख हो तब तो देखेगा ना। शंकर जी ने देखा बड़ा अच्छा लगा, ये तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। हाँ देखो ये चीज को समझो, ये भागवत हमें सिखा देते हैं, भागवत से छोटी मोटी चीज मत मांगा करो, ऐसे एक चीज मांगो ना, जो मांगोगे सारे चीज तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी। कहते वो क्या चीज है, भगवान की सेवा है, भगवान की भक्ति मांगो, हैं, क्योंकि जो भगवान कृष्ण कौन है,
ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। इसलिए जब हनुमान जी को प्रभु राम बोले, जो माता सीता को उद्धार करके ले आए, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना, ये सीता माता की उद्धार होना बड़ा कठिन था, तेरे वजह से सीता उद्धार होगा। आज मैं इतने तेरे ऊपर खुश हूँ, जो मांगोगे मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा। हनुमान जी से सीख लो, हनुमान जी क्या मांगते हैं, बोले बार 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 मांगम हरसी देवो श्री रंग पता सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान जी से सीखो क्या मांग रहे, बोले प्रभु बार 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 मांगो, एक बार नहीं आपकी चरण में बारंबार एक ही चीज बार मांगता हूँ, क्या है, आपकी चरण की भक्ति प्रेम आपकी सेवा, और कैसे भक्ति अनुपाय निष्काम भक्ति दो। हनुमान का नाम सुने कि नहीं, कौन कौन जानते हैं हनुमान जी, सब घर घर में हनुमान हो, घर घर हनुमान है ना, क्यों घर घर में हनुमान की पूजा करते हैं, क्योंकि चूंकि राम की भक्ति उनको मिला है, भगवान की उसको प्रेम मिल गया है। अगर प्रभु की भक्ति मिल गया ना, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में आ जाएंगे। अगर ठाकुर जी अगर तुम्हारी वशीभूत हो गए, बताओ जगत में क्या अपराध कर गया, जगत में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। जैसे हम बोले हमारे पास में धन नहीं, हमें धन दे दो, लेकिन धन भी कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाती है। धन में भी जिसको पास में ज्यादा धन उसको पूछ लो तुम सुखी हो, अब टाटा बिरला अंबानी को पूछ लो तुम सुखी हो, अब तो चैन से सो जाते हो, मतलब उसको नींद नहीं आता कि नहीं होगा हैं। इसलिए जगत का कोई भी वस्तु, जैसे बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा दे दो, लेकिन बेटा होकर के मेरे बात नहीं सुनता है, बेटा होकर बात नहीं सुनता है, दुख का कारण बनेगा कि नहीं। इसलिए ये जगत में ऐसे कोई वस्तु नहीं, माताएं चुपचाप बैठ जा बात मत कर। इसलिए जगत में कोई भी वस्तु है ना, जगत में आपको चिर शांति, कोई भी चीज तुमको शांति नहीं देने वाली, वो अशांति अशांति देने वाले, लेकिन केवल प्रभु का जो भक्ति ऐसे भी चीज है जो चिरकाल के लिए तुम्हें शांति और तुम्हें परम मंगल कर दे सकता है। इसलिए जो भागवत है ये तो कल्प वृक्ष है, लेकिन वहां से प्रभु की भक्ति भगवान के प्रेम को प्रार्थना करो, जिसको पाने से इसी जीवन में भी सुखी और उसको बाद में आनंद ही आनंद है। इसलिए ये भागवत एक ये कल्प वृक्ष है, लेकिन ये कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहते भागवत क्या है, कहते ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, एक तो पका हुआ फल है ही है, फिर उसने श्री सुखदेव गोस्वामी ने चोंच मारी, फिर उसने कहावत है किसी फल में तोता अगर चोंच मार दिया ना, कहते उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है, और तोता सब फल में चोंच नहीं मारता है, उसको पता है कौन सा फल कच्चा और कौन सा फल पका, उसको पता है, वो पका हुआ फल में ही चोंच मारता है। इसलिए ये भागवत तो मीठा मीठा है ही है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के मुंह से ये कथा निकली ना, उसमें और भी मिठास आ गया। कारण क्या है कि जो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की ये प्रिय तोता है, मतलब जब राधा रानी की किसी सखी की मुंह से जब कथा निकली उसमें और भी मिठास आ गया। इसलिए कहते हैं सुख मुखाद अमृत तब संतम, बोले पी बता इसको खूब पियो, ये कथा को क्या करो पियो। बोले आपने पीने के लिए कैसे बोल रहे, आपने बोल दिया वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, आप लोग बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो, बोलो जोर से खाते हो ना, लेकिन यहाँ कहते पियो, बोले पियो कैसे, बोले ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं जिसमें छिलका नहीं जिसमें रसी रस है, इसलिए पियो। जैसे कोई चीज को जब पीते है ना, आप किधर से पीते हो बोलो, जब कोई चीज को पीते हो किधर से पीते हो, मुंह से, लेकिन अभी जो रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो, कानों से। कहते ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किससे पी जाती है, कानों से। देखो अच्छी तरह समझो, कानों से पीने का मुंह से पीने का क्या फर्क है, कोई भी चीज अगर मुंह से पियोगे ना आप अंदर में नहीं रख सकते हो, वो निकलेगा ही, कोई भी चीज आप मुंह से पियो आप अंदर में उसको चीज को रख नहीं सकते, लेकिन कोई चीज को अगर कानों से पियोगे निकलेगा चीज,
वो चीज निकलेगा निकलेगा नहीं। इसलिए कहते भैया ये भागवत रस को मुंह से मत पिया करो। किधर से पिया करो? कान से पिया करो। इसलिए पीवतम कहते पी, कहते भैया पीते तो है लेकिन एक तरफ से पीते दूसरे तरफ से निकल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर में छेद ही छेद है। काम क्रोध लोभ मोह ये पूरा छेद ही छेद इसके अंदर में, एक तरफ से पीते दूसरे तरफ में हमारी निकल जाती। उपाय किया है? देखो मैंने एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। बोले भैया भले ही तुम्हारी अंदर में जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन जब पियोगे ना एक बूंद भी निकलने वाले नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, आपसे मैं प्रश्न करूंगा आप उत्तर देना। जैसे कि घड़ा है लेकिन घड़े में छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। आप ये बताओ ऐसे कौन सा उपाय है भले ही वो घड़े में जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन अगर पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा। बताओ क्या करनी चाहिए? बोलो क्या करनी चाहिए? हाँ, इसलिए ये चीज को समझो। अगर वो कलसी को अगर भले ही जितने छेद हो अगर पानी में डुबो दोगे ना फिर पानी निकलेगा। क्यों? वो कलसी ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते मुहु रहो, मतलब ये जो भगवत कथा को छोड़ना नहीं, इसको हर समय अगर पीते रहेंगे ना भले ही तुम्हारी हृदय में जितने काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो ये निकलने वाले नहीं। जैसे समझो अच्छे तरह समझो, हम सबको अंदर में काम है क्रोध है लोभ है सबके अंदर में, लेकिन आप देखना जब तक ये कथा में बैठे रहोगे ना आपको कोई काम सता रहा है ना कोई लोभ सता रहा है ना कोई मोह सता रहा है, किस चीज की याद है? सारा दुनिया को भूल कर बैठे हो। अगर हर समय अगर कथा में डूबे रहेंगे तो ये काम क्रोध हमारी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये रस को यद्यपि सभी लोगों ने पिए हैं लेकिन इसको पूर्ण रूप में किसने पिया है? बोले ये ब्रज गोपियों ने जैसे ये रस को पिया ऐसे किसने ये रस को पिए नहीं, गोपियों नहीं। गोपी मतलब क्या है? बोले गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब पीना, जो हर समय इंद्रियों के द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो हर समय पीते रहती हैं ये ब्रज की गोपियां। तब हमारे गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुना देते हैं। मैं जितने कथा सुना रहा हूँ ना सब कथा भी याद रखना, एक नोटबुक लेकर जाना, खाली हाथ में नहीं आना, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बताया था ना जितने कथा सुनते हो तुम्हारी जो अड़ोसी पड़ोसियों को भी कथाओं को सुनाना। ऐसे नहीं यही कथा सुने और यहाँ से गए तो अपना पल्लू झाड़ कर यहाँ से चले गए। बोले भैया कथा तो यहीं पर रहे, हम तो अपना खाली झोली से जा रहे हैं, यहाँ से सब लेकर के जाना, ठीक है ना? देखो जिसको कथा सुनाओगे तुम्हारा तो कल्याण है ही है, जिसको सुनाओगे उसका भी कल्याण है, दोनों का मंगल होगा। अगर दुनिया की बात सुनाओगे अपना भी हानि और सुनाने वाला को भी हानि होगा, लेकिन भगवान की कथा में अपना भी लाभ है और दूसरे व्यक्ति का भी लाभ है। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 मन लगा कर सुनना। कथा को आपने पूछना याद है। बोले एक समय ब्रज में कोई एक नई गोपी शादी होकर के आई, लेकिन ब्रज में जो गोपियां शादी होकर के आती है ना ये मत समझो हम जैसे स्त्री को भी ऐसे स्त्री, ये साधारण लड़की नहीं आती है, ये पूर्व पूर्व जन्म में जो श्रुतियां हैं वेद बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो कठोर तपस्या की है भगवान जब उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं वही लोग ही ब्रज में गोपी रूप में जन्म लेती जब ठाकुर जी आते उस समय में। वो कोई लड़की नहीं है। आगे सुनेंगे शंकर जी गोपीश्वर बज करके प्रभु का रास दर्शन करने के लिए भोले बाबा भी आते हैं। तुम्हारी और हमारी बात छोड़ दो, इसलिए शंकर जी का एक नाम गोपीश्वर महादेव है ना, शंकर भी गोपी बन करके स्वयं आते। क्यों गोपी बन करके आते? ये गोपियाँ कोई लड़की नहीं है, है? जिनकी इंद्रिय संपूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति रस में जो डूबा हुआ वो गोपी है।
कोई एक नवेली नहीं वो घर में शादी होकर के आई। अभी कृष्ण रोज कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं और जाते समय कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसी बजाते हैं। वो बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी सारे घर का काम काज को फेंक फेंक पा करके कृष्ण दर्शन के लिए आते हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण जाएंगे गोचारण करने के लिए सवेरे, तीन बार कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा, कृष्ण शाम को आएंगे, इसलिए सबके सब आए। वो जो नवेली गोपी आए ना, बोले मैं भी कन्हैया को दर्शन करने जाऊंगी, लेकिन उसको सांस निकला, देख बहू तुम दर्शन करने के लिए मत जाया करो। बोले क्यों? बोले वो काला सांप अगर एक बार काट देगा ना, उसको जहर नहीं उतरती है। वो अगर एक बार काट देता है किसको, जहर नहीं उतरता है। बोले तू डोकरी, तू बूढ़ी होकर के जा रही हो और मेरे ससुर डोकरा बूढ़ा होकर के जा रही, और तेरी बेटी भी ननद भी जा रही, वो किसको काटेगा नहीं, मेरे को ही काटेगा। बोले तेरे को ही काटेगा, और किसको काटेगा नहीं, तेरे को काटेगा। वो मना करने पर भी वो गोपी तो बोले मैं तो जरूर जाऊंगी कृष्ण को दर्शन के लिए। इतने में अपना घूंघट उठा करके दर्शन कर रहे थे, कृष्ण को पता कौन कहाँ किस भाव से मेरे को दर्शन करते, ठाकुर सब कुछ जानते हैं ठाकुर जी। अभी नई गोपी इतने कठोर तपस्या करके भगवान को पाने के लिए आई, इतने में कृष्ण ने क्या किया, जब कृष्ण जा रहे थे वो घूंघट उठा करके देख रही थी, कृष्ण एक बछड़े को गोपी की तरफ में मुंह कर दिया और उसका पूछ को ऐंठ दिया। वो ऐंठते ही वो बछड़ा खुदकते हुए गोपी के पास में पहुंच गया। कृष्ण वो बछड़े को निमित्त बना करके झट गोपी के पास में आ गए और अपना बंसुरी से उसका जो गाल कपल गोबर में बंसुरी का स्पर्श कराया और उनका तरफ में थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराहट से देखे और थोड़ी सी उनको मीठी मीठी हंसे और एक बार उनको तरफ में देख लिया। एक तो बंसुरी का स्पर्श, दूसरे में तो ठाकुर जी की बंसी की स्पर्श, तीसरा उनको जो मीठी मीठी मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट नहीं क्या है, वो जादू है। कृष्ण की जो तेरी सी चितवन नहीं वो तीर है। एक बार कृष्ण को दर्शन कर दिया ना, कृष्ण तो उसका मन प्राण चित्त पूरा के पूरा कृष्ण चोरी करके लेके चले गए। अभी कृष्ण जब चले गए सबके सब वापस आए, लेकिन उनकी सांस ने देखी, भैया मेरी बहू कहाँ गई, मेरी बहू कहाँ, देखा वो ठगी से ठगी। क्यों? कृष्ण उसकी मान प्राण चित्त लेकर कृष्ण चले गए। इतने में सांस आकर के बोली, तेरे को पहले से मना कर रही थी, तू मत जाया करो, काला सांप काट देगा तो जहर नहीं उतरेगा। काट दिया ना तेरे को, तेरे को काट ही दिया ना, चलो घर का काम काज करो फिर मन वापस आ जाएगा। बोले उसको दही मंथन करने में लगा दिया, बोले बैठ कर दही मंथन करो, लेकिन थोड़ी देरी बाद में आकर के देखती है वो दही क्या मंथन करके वो राई मंथन कर देंगे। बोले क्यों? उसका तो मन है नहीं ना, मन तब कृष्ण ने चोरी करके कृष्ण ले गया है। बोले भैया इसका मन वापस कैसे आएगा, बोले इसको चलने फिरने का काम में लगा दे, तो जा कुएं से पानी भर कर ले आ। कि पहले सबके सब गाय को लोग कुएं में पानी भर कर लाते थे, सर पर दो तीन कलसी रख दिया, हाथ में रस्सी पकड़वा दिया, बच्चे को पकड़वा दिया, बोले जा कुएं से पानी भर कर लाए। जब पानी भरने के लिए गई वहां पर कुछ गोपियां भी पानी भर रही थी, इतने में उसने कलसी में क्या फांद लगाएगी रस्सी की, उसको हाथ में जो बच्चा था ना उसकी गले में ही फांद लगा दी उसके गले में और उसको कुएं में उतार रही थी। वहां पर गोपियों ने कहा भैया लगता है इसको भूत लग गया है, लेकिन वहां पर वो जो अद्भुत संपन्न गोपियां थी, कृष्ण रूपिया अगर भूत लग जाए ना, वो भूत क्या करता है। किसने कहा भैया इसको भूत नहीं लग गया, इसको नंदा बाबा मैया जसोदा का भूत लग गया है, इसको नंदा जसोदा की भूत लग गया है। बोले क्यों? बोले साधारण जो भूत ना छूट जाती है, लेकिन ये कृष्ण रूपी भूत एक बार लग जाए ना, भैया जितने मंत्र पढ़ो भूत और ज्यादा ताकत दिखाती है। इसलिए आप लोग भी वो काला सांप ने काट दिया है, इसलिए तभी तो घर छोड़ कर यहाँ पर आए ना। अगर वो काला सांप नहीं करता है ना, नहीं तो कहीं टीवी देखते होगी, नहीं तो बहू बेटी की चुगली करती होगी। लेकिन यहाँ पर काला सांप ने थोड़ा काट दिया है, तभी आप लोग ने घर बार छोड़ कर कहाँ पर आए हो, भगवान की कथा में आए हो। इसलिए ये भागवत जो तीसरा श्लोक है ये हमें आशीर्वाद देता है। ये भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है, कहते गोपियों ने जैसे भगवान की भक्ति की,
ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इससे बड़ी भक्ति जगत में कुछ भी नहीं है। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय बोले ओम नमसे अनिमिषे कत्र का भजन है। ऋषयः सौनकादय सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। कहते अभी घोर कलिजुग आ गया है, घोर कलिजुग आने पर कहते ये सौनक आदि ऋषि लोग डर गए। भैया बात मत करो, क्यों बात कर रहे हो, काली दीदी ज्यादा ही बात कर रही है। इसलिए कहते ये घोर कलिजुग आ गया है, कहते ये कलिजुग का स्थिति क्या है, बोलते प्राप्त कलिजुगे घोरा नरा पुण्य विवर्जिता। जब ये कलिजुग आएगा लोग धर्म कर्म पुण्य सब छोड़ देंगे। बोले दुराचार रता सर्वे, घोरा घोर कलिजुग आएगा ना, पहले पहले देखना एक असत्य मिलना कठिन होता था, देश में एक असत्य मिलना कठिन, लेकिन कलिजुग जब घोर आएगा लेकिन कलिजुग में एक सत्य मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिए दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परान मुखा, कलिजुग में कहीं सच नहीं बोलेंगे, सब झूठ बोलेंगे हैं। अब कलिजुग में सबके सब घोर कलिजुग में आने पर सबके सब दुराचार में रहते हो जाएंगे। इसलिए बोले मंदा सुमंदा मत हो, कलिजुग जीव का जो बुद्धि अत्यंत मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि मतलब क्या, पहले समय मिलता था लोग क्या करते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या आ गया, समय मिला तो टीवी पर बैठ जाते। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे ये टीवी नहीं, ये कलिजुग ही टीवी बन करके आ गया है, क्योंकि पहले लोग समय हो तो गीता रामायण पढ़ते थे ना, अभी टीवी खोल कर क्या देखेंगे बताओ। हाँ जो लोग अगर भगवान की कोई कथा देखते हैं, भागवत कथा सुनते, कोई अच्छी चीज देखते अच्छी बात है, लेकिन उसको नहीं देख करके सांस बोल की लड़ाई देखो, दुनियादारी उल्टा पुल्टा सिनेमा देखो, उसमें कोई लाभ नहीं। इसलिए जब घोर कलिजुग आ गया तब ये सौनका ऋषियों ने डरते हुए श्री ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले ये कलिजुग से हम बच्चे कैसे, बोले चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके तुम साधन भजन करो। सौनक आदि लोग वहीं पर बैठ करके भगवान की कीर्तन भगवान की भजन और वहीं पर बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते लेकिन उनको हृदय में शांति नहीं मिली, हृदय में कोई आनंद नहीं। तब भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी आने पर तब सौनक आदि ऋषियों ने उनको आसन दे करके बैठाए और बैठा करके कहते हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से समस्त वेद पुराण इतिहास समस्त शास्त्र को आप अच्छे तरह से पढ़े हो, आप कृपा करके हमें बताओ हमारी कल्याण कैसे होगा। इसलिए उनको उन्होंने छह प्रश्न करते हैं और जो छह प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये संपूर्ण रूप में ये भागवत है। अभी ध्यान देकर सुना, ये छह प्रश्न किया है, आज मैं बोलूँगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, मैं देखूँगा कौन बोल पाता है, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न उन्हीं के लिए नहीं, प्रश्न हम लोगों के लिए। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। आप देखना हम जो कुछ करते हैं सवेरे से लेकर के सोने तक किस लिए करते हैं, आत्मा को शांति कैसे मिले, इसलिए तो करते हैं ना, लेकिन ये करते हैं तो आत्मा को शांति के लिए। आप देख लेना प्रैक्टिकल रूप में देखना, जैसे एक समस्या हमारे घर में, हम सोचते हैं किसी तरह से ये समस्या हल हो जाए, हमें चैन मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना वो एक समस्या तो हल हुई नहीं, आप देखना दूसरे समस्या से खड़ी, फिर कोशिश करते हैं ये दूसरे समस्या कैसे खत्म हो जाए, आप देखना दूसरे समस्या तो गई नहीं, तीसरे समस्या खड़ी। अब समुद्र देखे हो, कौन कौन समुद्र देखे हो, आप देखना एक लहरी को बात में दूसरे, दूसरे लहरी बात तीसरे, वो लहरी खत्म नहीं होती है, एक बात में एक समस्या आती रहती है। लेकिन इनका प्रश्न है ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कहते हैं, जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए, भले ही दुनिया में जो कुछ कर लो, ये दुनिया की वस्तु तुमको कभी शांति देने वाले नहीं है।
शांति तभी मिलेगी जब तुम्हें भगवत चरण की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारी मन में एक भ्रम है, क्या भ्रम जानते हो? ज्यादा पैसा होने पर शायद सुख मिल जाएगा, सोचते हैं ना कभी कभी, शायद ज्यादा पैसा घर में आए शायद हमें शांति मिलेगी। आप लोगों ने रावण का नाम सुने होंगे, उसके पास में कितने संपत्ति थी, सोने की लंका। आपके पास में कितना सोना बताओ तो, 10 किलो है, किसके पास 20 किलो है, इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगा ना। लेकिन जिसकी लंका ही सोना है, फिर दूसरा हम सोचते हैं किसी अच्छी छोरी से शादी हो जाएगा तो सुख मिलेगा। रावण का जो पत्नी का नाम थी मंदोदरी, मंदोदरी मतलब जानते हो, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर इतने पतली थी, विश्वकर्मा की बेटी। अब हनुमान जब ढूंढने के लिए गए ना, अब रामायण देखना, जब माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए गई, उन्होंने मंदोदरी को देखकर भ्रमित हो गई, यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, मतलब वो इतने सुंदर ही थी मंदोदरी। एक पत्नी नहीं थी, उसको जहां से सुंदरी सुंदरी रंभा उर्वशी मेनका सुंदरी सुंदरी मिला है ना, जहां से वो पकड़ पकड़ कर ला कर गई। अब रामायण देखे होंगे कितने पत्नी, एक से एक सुंदरी। फिर सोचते हैं अच्छा छोरा हो जाए सुख मिलेगा, मेघनाथ जैसे बेटा इंद्रजीत देखा कि नहीं, 1,25,00,000 जिनकी नाती पोती इतने। लेकिन स्वयं रावण कहता है शंकर जी से, कदा सुखी भवाम्यहम्, हे भोले बाबा कब हमें शांति मिले, हमको बेचैन मन में कोई चैन नहीं। लेकिन बेचैन मन में कोई चैन नहीं, बोले क्यों चैन नहीं, क्योंकि प्रभु का भजन नहीं करता था। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल चैन से रह रहा था, लंका के सबके लोग बेचैन, केवल एक व्यक्ति चैन से रह रहा था। आपको पता है कौन चैन से रह रहा था? विभीषण। इसलिए हनुमान तो गए लेकिन पूरा लंका को तो जला दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर नहीं जलाया, इसका घर नहीं जलाया, विभीषण का। क्यों नहीं जलाए? चूंकि प्रभु राम की शरण में था। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया, तभी चैन मिलेगा, तभी शांति सुख में रहोगे, भगवान की जब भजन करोगे। ठाकुर जी की कहते, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम की दास। इसलिए इनका प्रश्न है शांति मिलेगी कैसे, और शांति मिलेगी कैसे जब भगवत प्राप्ति होगी। दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है उनकी हमें भगवान कृष्ण की कथा सुना। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले मेरे को उनके सारे अवतारों का भी कथा सुनाओ है। जो पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जस सुनाओ, कैसे भगवान कृष्ण 7 साल की बालक, कैसे उन्होंने 7 दिन तक नहीं 7 वर्ष गिरिराज गोवर्धन को कैसे उठा दिया। बोले श्री गोवर्धन बाबा की, बोले गिरिराज महाराज की जय। इसलिए भगवान ने एक ही कृष्ण, लेकिन जब रास कर रहे थे ना, 7 करोड़ गोपियां देख रहे थे कृष्ण हमारे पास, 7 करोड़ गोपियों को, इसलिए ये अद्भुत लीला सुना। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए, धर्म कलयुग में कहाँ आश्रय लिया। जब उन्होंने 6 प्रश्न की, ये प्रश्न को सुन करके जिनके रोम रोम नहीं उठा, बड़े प्रसन्न हो गए, क्या सुंदर तुमने प्रश्न किया। बोले क्यों खुश हो गए? कारण है इनके जितने प्रश्न है ये कोई दुनियादारी प्रश्न नहीं, इसमें केवल भगवत संबंधी प्रश्न है, जिस प्रश्न से केवल हरि चर्चा है, जिसमें कहीं दुनियादारी की जिसमें कोई चर्चा नहीं। आप देखना, आप बैठ करके एक आधा घंटा दुनिया की बात कर लो, घर की बात कर लो, तुम्हारे घर में कैसे है, उसके घर में कैसे, ऊपर से किसको पूछ लो ना कैसे हो, सब तो बोलेंगे ठीक ठाक है। लेकिन बैठ करके अंदर की बात पूछ लो, देखना कितने तरह का दुख दुखी संसार में है। अंदर की बात पूछोगे कोई सुखी नहीं संसार में, आप दुनिया की बात करोगे ना दुखी दुखी, लेकिन जब यहाँ पर 2-2.5 घंटा बैठ करके जाओगे ना, आनंद मिलता है ना, दुख मिलेगा।
आनंद मिलता। क्यों आनंद मिलेगा? चूंकि यहाँ पर हरी चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? हरी चर्चा हो रही है, भगवत कथा हो रही है। जहाँ ठाकुर जी की कथा है ना, तथा आनंद घन वहाँ बरस रहा है, वो आनंद ही आनंद है। इसलिए सुतो गोस्वामी इसलिए प्रसन्न हुए, जहाँ पर हरि की कथा हो, हरि संबंधी प्रश्न हो, वहाँ पर जीवन में आनंद ही आनंद है। अभी उन्होंने उसका उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे सुनेंगे, एक भजन सुन लो, ठीक है। प्लस वृंदावन बिहारी लाल की जय। Thank you.
सही संत ही भगवान कृष्ण संतों का लक्षण कहते हैं। बोले मेरे संतों का क्या लक्षण है? बोले मद कथा मद गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम दुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे जो भक्त है ना वो आपस में मेरी चर्चा मेरी कथा मेरी भक्ति में ही संत लोग डूबे रहते हैं। भगवत चर्चा ही जिनका जीवन का एक उद्देश्य है और इसी में ही उनको परम शांति मिलती है। इसलिए हर समय मेरी कथा बोलते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये प्रश्न की सुतो गोस्वामी बोले मैं उत्तर देने से पहले सबसे पहले गुरु जी की चरण की पूजा करके मैं उत्तर देता हूँ। इसलिए कहते ना गुरु गोविंद दौ खड़े का के लाग पाऊं बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद ये बताऊं। इसलिए पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गुरु जी के पूजा के बगैर कृष्ण खुद कहते हैं बोले प्रथमं तो गुरुं पूज्यं ततश्चैव ममार्चनम। बोले हे अर्जुन सबसे पहले गुरु जी की पूजा करो उसको बाद में मेरी पूजा करो। जो गुरु पूजा नहीं करके डायरेक्ट मेरी पूजा करते हैं उनकी पूजा निष्फल हो जाता है, उसका पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, ध्यान देना। बोले एक समय देखना पानी में एक चिड़िया रहता है, वो काला रंग का देखना पानी में डूबता है और मछली पकड़ करके खाता है। लेकिन ऐसे नहीं खाएगा, मछली को पकड़ करके ना वो पहले ऊपर फेंकेगा, उसका ये स्वभाव है, ऊपर फेंक करके फिर पकड़ के खाएगा, वो डायरेक्ट नहीं खाएगा। एक व्यक्ति ने उसको देख करके बोले वाह बड़ा सुंदर कला है, पकड़ करके दूर में फेंकेगा और ठीक उसको पकड़ लेगा। उसको देख करके उसने सीख लिया और उसने क्या किया एक लकड़ी की चाकू बनाया और उसको ऐसे फेंकता है और मुंह में पकड़ता है। जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया अभी उसने एक लोहे के चाकू बना करके ऊपर फेंकता है और मुँह में पकड़ता है। जब बढ़िया से प्रैक्टिस हो गया जब देखता है बहुत सारे लोग कहीं एकत्रित हुए हैं बास वहाँ पर बजाएगा ढिंडरा पिटाएगा और लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बास ऊपर फेंक करके पकड़ता है। एक व्यक्ति देख करके बोले वाह धन्य है तेरे गुरु जिसने तेरे को ये विद्या सिखाया। उसने कहा थोड़ी मैंने गुरु जी से सीखा, मैं तो अपनी अब सीख गया, मैं थोड़ी बोली गुरु है। लेकिन उसका गुरु कौन था बोला? कौन था? चिड़िया था। लेकिन अभी तक तो सक्सेसफुल होता था, फेंकता था पकड़ता था। लेकिन जब उसने बोल दिया आप किसी गुरु से सिखा नहीं अपने आप सीख गया। एक ने कहा भैया और एक बार दिखाओगे? उसने किया क्या ऊपर फेंका, फेंक कर जब पकड़ने के लिए ना चुक गई तो उसका नाक ऊपर गिरा तो चाकू उसका नाक ही कट गई।
देखो कहते ये साधारण विद्या है, अगर ये साधारण विद्या जिसके प्राप्त हो, अगर तुम अगर उसको निगलेक्ट कर दिया वो विद्या वही काम नहीं करता है। और जो भक्ति विद्या है ना, ये अधम सज विद्या, अधम सज मतलब संपूर्ण हमारी इंद्रिय से जो अतीत है, ये ब्रह्म विद्या, ये कोई साधारण विद्या नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, सबसे पहले मैं गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। बोले जम प्रवजन तलनुते तब मपेत कृत्यम द्वई पायन विरहता तर आजु भाव पुत्रेति तन्मय तया करवो निदुम स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि। बोले मेरे गुरुदेव कोई साधारण नहीं है, ये सुखदेव गोस्वामी। ये सुखदेव गोस्वामी क्या है, कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाय, राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले राधा रानी अपना हाथ में बैठा करके उनको अनार के दाना खिलाया करती थी। बोले बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता बड़ी मीठी मीठी बोली में कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण कृष्ण बोलता था। कभी कृष्ण भी अपना हाथ में बैठा करके अनार के दाना खिलाते थे, बोलते थे बोलो तो राधे राधे, वो बड़ा मीठी मीठी बोली में राधे राधे बोलता था। इसलिए ये तोता कोई साधारण तोता नहीं है, हैं? ये तोता वो तोता है, जब भगवान जब गोलोक वृंदावन से इसी मर्त्य जगत में आए, वो तोते को गोलोक वृंदावन से लाए थे, जब यहाँ से जा रहे थे तोता भी तैयार हुआ जाने के लिए। बोला अगर तू चले जाओगे तो मेरी भक्ति कौन प्रचार करेगा, इसलिए तू रह जाओ, इसलिए उनका रंग कर गए। इसलिए ये उनकी गुरुदेव है, इसलिए उन्होंने अपना गुरु जी के चरण में प्रणाम किया। बोले मेरे गुरु जी मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, वहाँ से बैठ बैठ के भजन कर रहे थे, आना नहीं चाह रहे थे। जब श्री व्यास देव बोले भैया मैया को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, निकल करके आ जा, बोले मैं नहीं आता। बोले क्यों, बोले ये माया की जगत है, मातृगर्भ में हर जीव भगवान से वायदा करके आता है, प्रभु एक बार हमें ये माँ की पेट से निकाल दो, क्योंकि माँ की पेट में आना नरक में आना बराबर है। कहते माँ की पेट में ये नरक है, उदाहरण दिया है आपको, ऊपर में एक पतला कपड़ा से ओढ़ दे, आपको ऊपर में टाटी पेशाब खून पी आपको सर के ऊपर डाल दे, नहीं तो किसी गटर से, गटर जान दो जहाँ पर टाटी गटर में बंद करके तुमको 9 महीना रख ले, कैसे लगेगा, बोलो कैसे लगेगा। ये पेट ठीक वैसे ही है, उसमें कुछ नहीं पेट में, और टाटी पेशाब खून पीक में वहाँ पर सर नीचे और टांग ऊंचा करके रहता है, 9 महीना बिताता है गटर में। और मैया जब चटपटी चीज खाती है ना, पेट में बच्चा है, नमकीन खट्टा है, सब चीज़ अच्छी लगती है बच्चे को, ऊपर में वो भी शरीर में कष्ट देता है, उसको कभी कभी चमड़ा नहीं हुआ, चमड़ा भी नहीं उसको, पहले अगर तुम्हारी पेट कट गया उसमें नमक मिर्च दे दो कितना लगेगा, बढ़िया बढ़िया लगेगा ना। ये भगवान खुद कह रहे अपना माँ, बोले माँ ये पेट में रहना नरक में रहना बराबर है। और उसी समय में हजार हजार जन्म की बात उसको याद आता है, पिछले जन्म में मैं किसी झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया, परिवार को मेंटेनेंस किया, सुख का समय दुनिया थे, दुख में कोई नहीं, अकेला कर्म फल ले भोग कर रहा हूँ। भगवान को पुकारता है, ठाकुर जी मेरे को नर्क से निकालो। ठाकुर जी कहते बताओ क्या करोगे। बोले मैं समझ गया दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये झूठा संसार है, एक बार हमें निकाल दो, प्रभु जी उठते बैठते सोते तेरे में नाम जप करते रहूंगा। बोले सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो ना, कष्ट पाकर को बोल रहे हो। बोले प्रभु मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, एक बार केवल नरक से हमें निकालो, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, फिर संसार में जाकर भूल तो नहीं जाओगे। कहते प्रभु मैं भूलूंगा नहीं। भगवान कहते अगर भूल जाओगे ना, मैं बीच बीच में तेरे को मैं वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे। बोले पहले जब एक बाल पक जाए ना, मेरा फर्स्ट वार्निंग, आप लोग नजर लगा कर देखना, जब बाल पकता है ना आप देखना यहीं से कानों से, मतलब कान में पहला भेद पड़ गया। बोले तू बोल कर आया था ना माँ के पेट से, भजन जन्म लोगे तो हरिनाम करोगे, भजन करोगे, कितना समय टीवी देख रहे हो, कितना समय स्मार्टफोन में लगे हो, और कितना समय प्रभु का भजन कर रहे हो। लेकिन जब एक बाल पके हम देखते हैं ना, उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। बोले इतना जल्दी हम बुढ़ा बुढ़ी हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर दो बाल पक जाता, फिर उखाड़ तीन, फिर उखाड़ देते हैं।
लेकिन जब खिचड़ी बन जाए फिर मेहंदी से रंग कलर लगा देते, कलर लगा देते, कहले कुछ नहीं हुआ है, भगवान कहे तो दूसरा बार नहीं कि दूंगा। बोले क्या? बोले आंखों में धीरे धीरे कमजोरी आ जाएगा, फिर बढ़िया चश्मा पहन लेते हैं। बोले थर्ड बार नहीं कि दूंगा। बोले क्या? बोले तुम्हारे एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर फिर 32 दांत लगा देते हैं। बोले फिर तुमको फोर्थ बार नहीं भी दूंगा। बोले क्या? बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगा, मतलब डंडा पकड़ना शुरू करेंगे। ये कहते ये जब महाराज के एक एक वार्निंग है भगवान की, भगवान ये वार्निंग दे रहे हैं तो मातृ गर्भ में वायदा करके आए हो भजन के लिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को और कोटन न लगे कपास। तू तो वायदा करके आया भजन के लिए, लेकिन जो करने के लिए आया तो उसको तुमने पीछे रख दिया, और जो नहीं करने के लिए आया ना उसको पीछे तुमने तीन बार उसको पीछे तुम लग गया। ये एक एक वार्निंग है, हैं? इसलिए कहते हैं भैया समय रहे तो क्या करनी चाहिए, भगवान का भजन कर लो। ये जीवन बारंबार ठाकुर देंगे नहीं, ये 84 लाख जन्मों को बाद में मिला है। इसलिए सर्वप्रथम अपना गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्रणाम करते हुए कहते मेरे जो गुरु है ना, जन्म लेते ही जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुई बात सन्यासी बन करके जा रहे, सन्यास लेकर जा रहे, पिताजी पीछे पीछे हा पुत्र करके पुकार रही, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र, मतलब कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, झूठा संसार, ये झूठा संसार है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं तन मैया तरवे भी, मेरे जो गुरुदेव है ना सारे वृक्ष लता पताओं में भी मेरे गुरुदेव विद्यमान। जब मेरे गुरुदेव सबका हृदय में, गुरुदेव मेरे हृदय में भी आ जाए, क्योंकि जो स्वर्णकार ऋषियों ने प्रश्न किया है इनकी प्रश्न का जैसे मैं उत्तर दे सकूं। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने अपना गुरु जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने उत्तर दिया। पहला प्रश्न किया था, बोलो क्या प्रश्न था, बोलो जोर से, आत्मा का शांति कैसे मिले है? ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, क्योंकि हम जीवन में सबके सब शांति चाहते हैं। देखो इसका उत्तर क्या देते हैं, बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रघुक्षये आहै तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीद्धति। कद सबई पुंसांग परो धर्म, पुंसा मतलब होता है हर जीव, केवल इंसान नहीं हर जीव का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या सर्वश्रेष्ठ धर्म है? भगवान को भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना, यही जीव का ही धर्म है। जीव का और कोई जगत में धर्म है नहीं, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर का अंश होने का नाता है हमारे कर्तव्य क्या है, ईश्वर की सेवा करना। आप देखना जैसे एक पत्थर नहीं तो मिट्टी आप ऊपर में फेंको, आप बताओ तो मिट्टी किधर आएगा, आप बोलो किधर आएगा, किधर आएगा, नीचे आएगा। बोले नीचे क्यों आएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो खंड है ना वो पृथ्वी का ही खंड है। जैसे आप दिया जलाओ उसका लो किधर जाता है, बोलो जोर से, क्यों ऊपर जाएगा, बताओ क्यों जाएगा, क्यों जाता है, इधर उधर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो मूल है ना सूरज है, ये मूल अग्नि है, इसे वो उधर जाना चाहता है। आप पानी कहीं डालो पानी किधर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा। आप देखना जो पानी कहाँ से आता है, समुद्र से, क्योंकि सूरज का बाष्पीकरण होकर के वही मेघ बनता है। आप देखना यहाँ पानी डालो ना नाली में मिलेगा, नाली घर नदी में, नदी जाकर लास्ट में वो समुद्र में जाकर के मिलता है। इसलिए आप देखना हम जीवन में कोई भी दुख नहीं चाहते, बताओ जीवन में कौन दुख चाह रहे हो, नहीं, आप बताओ जीवन में कौन सुख चाहते हो, हाथ उठा, शांति चाहते हो, शांति क्यों चाहते हो, आप दुख क्यों नहीं चाहते हो, कारण क्या जानते हो। इसलिए वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा, हम किसकी संतान है वो अमृत के पुत्र है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत चित आनंदमय भगवान, चूंकि हम उनकी संतान है, भगवान के सारे गुण हमारे अंदर में विद्यमान, भगवान सत्य है। इसलिए भगवान हम भी जीवन में सत्य बनना चाहते हैं, जगत में कोई भी मरना नहीं चाहते, कोई मरना चाहते हो, कोई नहीं मरना चाहते। अभी कोरोना आई ना सब घर में बंद कर दिया,
भाई डर से भी बाहर, कोई मरना नहीं चाहते। क्यों मरना नहीं चाहते? बोले भगवान जो है ना वो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का रूप देखना, 14.5 साल से कभी भगवान को उम्र ज़्यादा नहीं होता है। जितने गोपियों को देखोगे 13.5 साल से कभी किसको उम्र ज़्यादा नहीं। हमारी भी वही स्वरूप आत्मा की है, हैं? इसलिए कोई हम मरना नहीं चाहते। भगवान ज्ञान है, हम भी जिंदगी भर यही ज्ञान ढूंढते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है और जीवन भर हम आनंद ही ढूंढते हैं। लेकिन प्रश्न है फिर आनंद मिलता नहीं क्यों? तो ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें 3 वार आया है, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। बोले जीव तो आनंद ढूंढता है लेकिन मिलता नहीं क्यों? बोले जहाँ ढूंढनी चाहिए उसको वो वहाँ नहीं ढूंढ कर गलत जगह पर ढूंढ रहा है। कहते एक मैया थी, रोड में 1 घंटा से कुछ ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति ने देखा 1 घंटा से क्या ढूंढ रहे माता जी। 1 घंटा बाद में आया देखा वहीं पर ढूंढ रहे हैं। बोले माता जी क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरी सुई कहीं खो गई। बोले बताओ सुई तुम्हारे कहाँ पर खोई थी? बोले घर में। बोले घर में खोई तो रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? जब ये चीज को समझ लो, जहाँ शांति सुख है ना हम वहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। कहाँ? ये संसार है। शायद ये संसार में प्रेम करने पर शायद हमें सुख मिल जाएगा। भैया संसार में सबके सब जीव दुखी है, जो दुखी तुमको सुख कहाँ से देगा? देखना अपना सुख में सुखी हो लेकिन दूसरा दुख में खुद दुखी हो जाते। क्यों? सब संसार में सुख दुखी है लेकिन वो सुख कहाँ मिलेगा? बोले ब्रह्म जिज्ञासा। बोले जब तक तुम ठाकुर की शरण में नहीं जाओगे, भैया ये संसार की वस्तु तुम्हें सुख नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी 7 उदाहरण देकर समझाए, उन्हें 7 उदाहरण दिया है। कहते बारी मत है ग्रीत चिकता ते बरुते। वो पहला उदाहरण देते हैं, आप बता पानी को मंथन करने से कभी घी निकलेगा? नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते अगर कोई बोले हम पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया तो मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन असंभव। बोले रेती को पीसने से कभी तेल निकलेगी? निकलेगी तेल? नहीं। बोले इसको भी मैं मान लेता हूँ। आकाश में कभी फूल खिलता है? नहीं। बोले ये भी मैं मान लेता हूँ। बांस का कभी बेटा होता है? बोले नहीं। बोले ये भी मान लेता हूँ। बोले खरगोश का कभी सींग हो गए? बोले नहीं। बोले ये भी मान लेता हूँ। बर्फ के ऊपर में कभी आग जलती है? बोले नहीं। बोले ये भी मान लेता हूँ। उन्होंने 7 उदाहरण दे करके समझाए कि जगत में जो असंभव कभी ये संभव बन सकता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बिनु हरि भजन न भगत हरिय, ये सिद्धांत आप है। जब तक कोई प्रभु की भक्ति नहीं करता है, अगर कोई सोचे सोचे हमें सुख मिल गया, गोस्वामी जी कहते मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहता है ये संसार दुख का घर है, ये संसार दुख का घर है। सुख मिलेगा तो ठाकुर के चरण में। इसलिए इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बोले प्रभु की शरण में जब जाओगे तब तुमको शांति मिलेगी। आप बोलोगे हम तो प्रभु का भजन कर ही रहे पर शांति क्यों नहीं मिल रहा? बोले भजन तो कर रहे हो लेकिन जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोले 2 तरह से भक्ति करनी चाहिए। पहला नंबर है भक्ति में कोई कामना वासना नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारी कामना वासना, जैसे ठाकुर के पास में गए 10 रुपया की फल फूल लेकर चढ़ाए लेकिन वहाँ की पर्ची भी रखते कर आते, वो पर्ची कम से कम 10 करोड़ हो। बोले ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया की फल आपको फूल दिया इसलिए मेरे घर की बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। मेरे घर वाला का देखो 4 मंजिल बची, अभी मकान हमारी 2 मंजिल की, हमारी घर बना दो, हमारी बेटा का नौकरी लग नहीं रहे नौकरी करा दो। मतलब इसलिए 10 रुपया तेरे को दिया, तुम घर में आकर के मेरा नौकरी करो, नौकर बन कर सारे काम करो। कहते भैया ये भक्ति नहीं हुआ, तुम तो भगवान को नौकर बना रहे हो ठाकुर जी को, ये भक्ति नहीं होगी। इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है भक्ति कैसे होनी चाहिए? बोले निरंतर जमय, जैसे शहद को आप देखना, शहद को ऐसे डालो ना, देखना उसमें जो धागा बनी जाती है, उसमें के धागा बनी जाती है। भक्ति कैसे होनी चाहिए? ऐसे भक्ति होनी चाहिए निरंतर जमय। मतलब है भक्ति 24 घंटा भगवत स्मरण छोड़कर और कुछ नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी, हम थोड़ी साधु संत, दिन भर माला लेकर बैठ जाएंगे, दिन भर माला लेकर भजन करेंगे, हम थोड़ी साधु संत हैं, हम
देखो चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी बात बताए, बोले भैया घर बार छोड़ने का जरूरत नहीं, किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज ठाकुर ने जोड़ दो, क्योंकि जो कुछ दिया घर मकान किसने दिया, ठाकुर ने तो दिया ना, बेटा बेटी किसने दिया, ठाकुर ने दिया, पति किसने दिया, ठाकुर ठाकुर ने सब दिया ना, ना तुम्हारा है ठाकुर है ना, इसलिए ये चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, ये चीज को भगवान के साथ में जोड़ो, अपना सुंदर घर बनाओ, भले घर किसके है, ठाकुर ने दरबार दिया है, घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, ठाकुर का मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, खाना बनाओ बढ़िया बढ़िया, रोज रोज प्रसाद बनाओ, लेकिन किसके लिए बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए बना रहे हो, बच्चे को थपथपी लगा कर सुलाओ, लेकिन बच्चा दिया किसने, ठाकुर ने दिया, बच्चा किसका, ठाकुर बच्चा है किसका, बच्चे हो गए ठाकुर जी की, जैसे गोपियाँ घर का सारे काम करती थी हाथों में, लेकिन इधर काम तो हाथ में करती थी, लेकिन नाम किसकी लेती थी, ठाकुर जी की नाम लेती थी, इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम ले लो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 एकादशी मतलब होता है ये 11 इंद्रियों को ठाकुर को सेवा में लगाने की एकादशी, जैसे आप कीर्तन सुन रहे हो ताली बजा रहे हो ना, आपको सारी इंद्रियां ठाकुर को सेवा में लग रही है, इसलिए ठाकुर को सेवा में लग रहा है आज एकादशी करने का इतने महत्व, बाद में आप कथा सुनाएंगे एकादशी में कितने महत्व, एकादशी हम जाने में भी पति पत्नी में लड़ाई हो गई एकादशी हो गई ना, इसका भी बड़ा महत्व है, आपका बाद में इसके आप कथा सुनाएंगे, बड़ी सुंदर कथा है, इसलिए अब मैंने बताया ना आज एकादशी है, जो एक बार हरि का नाम लोग आपको 100 बार हरि का नाम लेने का फल मिलेगा, अब यहाँ कितने भक्त बैठे, कितने भक्त बैठे, जब सब हरि नाम करते हैं वो सबका नाम आपको गाने में जा रहे हैं, नाम तो आप एक बार किया है, लेकिन एक बार करने पर अगर यहाँ 150 लोग बैठे हुए आपको 150 नाम करने का फल मिलेगा, क्यों कि सबके सब कानों में आपकी आवाज आ रही है, बहुत महिमा, देखो हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं ध्यान देकर सुनो कितने महत्वपूर्ण नाम कहते हैं, बोले जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं उनका 3 काम अपने आप हो जाता है, कितना काम हो जाता है, आज मैं बताऊंगा कल सुनूंगा, देखूंगा मेरे पर बोल पाता, पहला काम है जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, ये चित्रगुप्त कौन है, बोले गुप्त मतलब छुपा करके जो हमारे फटो ले रहा है, जैसे यहाँ कथा सुन रहे भगवान कीर्तन कर रहे हैं ना, वो सारे फटो हो रहा है, सब चित्रगुप्त पास में नोटिस हो रहा है, ऊपर जाओगे ना काफी खुलेगा कुछ मिलेगा, आप कथा सुन रहे थे बैठ के, कल सुना रहा था ना किसी व्यक्ति अनजान में किसी फेरी वाले ने 1 घंटा कथा सुन लिया, सीधा भगवत धाम प्राप्ति हो गई उसको, इतने महिमा कथा की, इसलिए देखो पहला लाभ है
जब कोई प्रभु का नाम जब करेगा चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते हैं, बोले रजिस्टर ले आए, बोले क्यों, बोले इसका नाम तो यहाँ से काट है, बोले किसी लिए, बोले हरि का नाम ले रहा है ना कि कभी वो नरक नहीं आएगा, कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम किया गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले रजिस्टर ले आ, बोले किसी लिए, बोले इसका नाम को लिख दे, बोले किसी लिए, बोले हरि नाम कर रहा है ना, अभी सीधा मेरे पास में गोलोक वृंदावन में सीधा राधा रानी को पास में जाएगा वो, है राधा रानी को पास में जाएगा। कहते कि तीसरा काम क्या है, बोले ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू करते थे, ये हरिनाम कर रहा है, जब ये भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए जाएगा, ब्रह्मा सत्य लोक में रहते हैं, मैं उसको बीच में आरती करूंगा, उसको मैं आरती उतरूंगा, इतनी महिमा हरिनाम करने का, इतने महिमा। पर भागवत कथा में एकादश में हरिनाम कर रहे हो, आप तो सोच नहीं सकते इतने महिमा। कृष्ण अर्जुन को भी यही बात कहते हैं, बोले हरिनाम कौन कर सकता है, बोले जेने पूर्व सत जन्म वासुदेव समर चरण तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन ये हरिनाम कौन कर सकता है, बोले जेने पूर्व सत जन्म, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक पूर्व जन्म में भगवान की अर्चन पूजा की, तन्मुखे हरि नामानी उसी मुंह में ही हरि का नाम सदा तिष्ठति, उसी का मुंह में भगवान का नाम सबसे में बैठता है, इसलिए इतने महिमा हरि नाम करने, ठीक है ना, इसलिए खूब ताली बजा कर, केवल ताली क्यों बजाते हो, भगवान का कितने में ताली बजाना कभी बड़ा महत्व है, सुन लो ताली बजाने कितना महत्व है। जैसे संसार में अगर हम ज्यादा दुखी हो जाए ना, ज्यादा दुखी, किसी ज्योतिष को पास में जाते भैया देख लो तो क्यों ये सब दुखों कष्ट आ रहा है, एक बात ले, क्या ज्योतिष तुम्हारे दुख दूर कर देगा, दूर नहीं कर सकता, बोल सकता है ये कारण है, हैं, लेकिन दुख दुख तुम्हारा दूर नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप ताली बजाते हो ना, क्योंकि हमारे रेखा में ना सब कुछ लिखा हुआ है, सारे भाग्य रेखा, सुन लो माताओं के लिए उल्टा हाथ है, देखो ये जो रेखा है ना इसको कहते भाग्य रेखा, ये रेखा जिसको जितना बढ़िया होगा देख लेना उसका हर तरह से फल तक लोगों, और भाई लोगों के लिए ये रेखा भाग्य रेखा अपने आप देख लेना, ठीक है, ज्योतिष को बाद में आपका जरूरत है। ये रेखा अगर सीधा जाती है, अगर 3 रेखा को पार कर दे, अगर ये रेखा अंतिम में त्रिशूल बन जाता है, 3 दुनिया में 3 जगत में तुम्हारी जय जयकार होगा, ये ज्योतिष का हिसाब से। लेकिन अगर तुम्हारी भाग्य रेखा में कोई गड़बड़ी है, सड़बड़ी है, लेकिन अगर प्रभु का कीर्तन में ताली बजाओगे, हम ताली कब बजाते हैं, किसकी स्वागत है, कहते ना ताली बजा करके इनको स्वागत करो, मतलब यहाँ पर किसकी स्वागत कर रहे हो, ताली बजा कर, किसकी स्वागत कर रहे हो, भगवान की स्वागत कर रहे हो, और भगवान कौन है, मंगल भवन अमंगल, अगर भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे ना, अगर कोई गड़बड़ी सड़बड़ी हो तुम्हारी भाग्य रेखा, भगवान ही तुम्हारी भाग्य रेखा को वो ही बदला सकते, दुनिया में कोई नहीं बदला सकती है। आप ताली बजाने से पहले देख लो, अब ताली बजाने का बाद में देखो तुम्हारी भाग्य रेखा कितना बदलती है, ठीक है, इसे जोर जोर से ताली बजाओ, और ताली बजाने से पाप उठ जाएगी, ठीक है, जोर जोर से, और ताली बजाने से क्या हुआ जानते हो, एक तरह का आकुपेशर होता है, रामदेव बाबा का जुगा देखे कि नहीं, वो कहते ना यहाँ पर दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, कैंसर सही होगा, डायबिटीज सही होगी, कहते ना यहाँ पर दबाओ, कहते ना, लेकिन जब ताली बजाते हो ना सारे मरी पॉइंट से सब दबती है, देखना शरीर में ऊर्जा प्रकट हो जाए, सब बीमारी भी सही हो जाएगी, इसे जोर जोर से ताली बजाना, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
जो दूसरा प्रश्न था, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, तो इसका उत्तर देते हैं, बोले कहता अपोत भयम योगी नाम नृप निर्मित हरे नामानुकित। भगवान ने कहा कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। ठाकुर को पता है ये कलयुग का जीव ज्यादा परिश्रम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सत्ययुग में जुगा धर्म था तपस्या, अब सुने होंगे वाल्मीकि ने इतने तपस्या की सारा शरीर दिमग दिमग चाक गया है, इतने तपस्या बिना खाए पिए 10,000-20,000, लेकिन साल यानी कलयुग में 15 दिन में एक एकादशी आती, 15 दिन में एक एकादशी। अगर कोई एक एकादशी करे ना, अगर उसको बोले भैया ये काम कर दो, बोले भैया आज धन व्रत रखा हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब 15 दिन में भी एक बार बिना खाए पिए नहीं रह सकते। ऐसे कलयुग है, सब तृतीय युग में यज्ञ था, अब एक यज्ञ करने के लिए तो पता नहीं कितने पैसे चलते हैं, फिर कलयुग में यज्ञ करने के लिए सही सही ब्राह्मण भी नहीं निकलते हैं, उल्टा पुल्टा मंत्र बोलते हैं, फिर कोई बीड़ी फूकता कोई गुटखा खाता रहता है, उसका मुंह से तो मंत्र निकलेगा नहीं, अपवित्र है। फिर द्वापर युग में अर्चन पूजा, इतने भैया कहाँ से दूध दही पंचामृत कहाँ से लाए। इसलिए ठाकुर ने देखा ये कलयुग का जीव कोई इतना परिश्रम नहीं कर सकता। कलयुग में ऐसे के साधन रखो बिना पैसा बिना परिश्रम से हो जाए। इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके ठाकुर जी बोले कलयुग में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम जप क्या करो, ठाकुर जी की नाम जप करो, जो कुछ करते हो ठाकुर का सेवा मान कर हाथ में करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम जप करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु क्या कहते हैं, भगवान के कितने नाम है ठाकुर जी की, कृष्ण गोविंद दामोदर हैं। हमारे संत लोग तो ठाकुर का नाम को दे देकर कीर्तन बनाए हैं, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ठाकुर का नाम दे देकर के इतने सुंदर भगवान की भजन बनाए, भजन हो जाएगा भगवान का नाम भी हो जाएगा। इसलिए भगवान के अनंत नाम है। फिर क्या किया, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, उनने सारे शक्ति अपना नाम में दे दिया। इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकलाया परिणाम, हरि से बड़ा हरि का। इसलिए भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके, इसलिए कहते द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम। भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ा, हनुमान जी को फूल की जरूरत पड़ी, जय श्री राम बोल कर उन्होंने पूरा उन्होंने समुद्र को पार करके आगे। इसलिए भगवान सारे शक्ति उन्होंने कलयुग में अपना नाम में ठाकुर जी ने दे दिया है। इसलिए शास्त्र में बताया जो भगवान का नाम जप करते हैं ना, उनको साथ साथ में 4 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, अब कहते हैं पूर्व जन्म में जो 4 काम किया होगा ना, तभी इसी जीवन में वो क्या कर सकता है, हरि का नाम ले सकता है। अभी तक हम सुन रहे थे ना, क्या सुन रहे थे, जो भगवान का नाम लेगा उसको 3 काम होगा, क्या क्या होगा बोलो, कौन बोल सकते हैं। अभी हमने बताया ना जो ठाकुर का नाम जब करेगा उसको 3 काम हो जाएगा, बोलो कौन बोलेगा, हाथ उठा कर बोलेगा, तो बोल सकती है क्योंकि कथा सुनती है ना, जब सुनते भी नहीं बोले, बोलो कौन बोलेगा, इतना जल्दी भूल गए हो, बोलो नरक में नहीं जाएगा। और दूसरा काम, हाँ और इसलिए राधा रानी के चरण में स्थान मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, माँ जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं ना, तुम ये समझना उसने पूर्व जन्म में 4 काम करके आए, तभी इसी जीवन में वो प्रभु का नाम ले रहा है। मैं आज बोलूंगा कल सुनूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा कल कर कौन बोल पाता है। ये भगवान खुद ये बात को कहते हैं,
बोले आमो वत सपोच अतो गरियार जत जिहाद्र भक्तते नाम तुभ्यम। भगवान कहते अहो, अहो वत मतलब होता है जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं, कहते अहो, अहो मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है, मतलब साधारण व्यक्ति प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो क्या है, सपचो, जो कुत्ते का मांस भी अगर कोई व्यक्ति खाने वाला हो, अगर वो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करता है पूरा नहीं, बोले जीवा ग्रे, जीवा ग्रे मतलब जिनकी संपूर्ण जीवा नहीं, जो जीवा की अग्रदश में जो प्रभु का नाम लेता है, पूरा जीवा की बात नहीं करते हैं, जो केवल अग्रदेश में जो ठाकुर नाम करते, क्या समझो, पूर्व जन्म में वो चारिधाम कर गए। बोले क्या चारिधाम, बोले पहला काम है जितने तपस्या है जगत में सारे तपस्या पहले कर चुका है, दूसरा काम है पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ उसने घूम चुका है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब, 1 अरब होता है 100 करोड़, 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ उसने पूर्व जन्म में कर चुका है, तीसरा काम है जगत में जितने यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जितने यज्ञ है पूर्व जन्म उसने कर चुका है, और चौथा काम है जगत में जितने तरह का दान है, स्कूल कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना, अर्ण चक्र खोलना है, कहते पूर्व जन्म में जिसने सारे दान कर चुका है, इसी जीवन में उसकी जीवा के अग्रदेश में प्रभु का नाम ले सकता है। लेकिन जिसका जीवा पूर्ण रूप में, जिसका जीवा में प्रभु का नाम है तो बड़े सौभाग्य बात, लेकिन जो कानों में ठाकुर की कथा सुनते हैं तो और पुण्यात्मा है, लेकिन जिनका दो हाथ ठाकुर का सेवा करता है बोले और भाग्यवान, जो अपना घर से यहाँ तक भागवत कथा सुनने के लिए आए, बोले भैया इनका तो महिमा हम बता ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति कितने पुण्यात्मा। इसलिए भैया साधारण व्यक्ति के मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलेगा, ये भगवान कपिल देव अपने माँ को ये बात कहते हैं, बोले माँ इतने महिमा ठाकुर का नाम जप करने का। इसलिए ठाकुर जी कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, भगवान के नाम जप करो, इसी से ही तुम्हारे कल्याण होगा। लेकिन और एक बात दुखी होकर कह रहे हैं, इसको ध्यान देकर सुनो, भगवान कहते मैंने इतने सरल कर दिया, कलयुग में भगवत प्राप्ति की, इतने मैंने सरल कर दिया, और जीवा जब असवर्ती ना, ये जीवा भी तुम्हारे पास में है, अगर जीवा को बोला चुगली करना चुगली करेगा, बोले हरिनाम कर हरिनाम करेगा, लेकिन सुलभ भगवान ये नहीं बताए, देखो अगर तुम मेरे नाम रुकना तो पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर बोलते हैं, बोले ये भी नहीं, सुलभ भगवत नाम, जीवा जब असवर्त ना, जीवा भी तुम्हारी अधीन में। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, कलयुग में जीव तभी नर्क में जा रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात, भगवान इतने सरल कर दिया, लेकिन तब भी जीव हरिनाम नहीं करते, बैठ करके सारा दुनिया की बात कर लेंगे, बोले कि भैया थोड़ा ठाकुर का नाम लो, बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है, बड़े आश्चर्य की बात। इसलिए भैया ये जीवन दो बार नहीं मिलेगा, भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये 84 लाख जन्म के बाद में ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति के दरवाजा पर खड़े हुए हो, लेकिन पाई न जई पर लोक संवारा, लेकिन पा करके जो दूसरे जन्म तो धन्य नहीं करते हैं, हरि नाम नहीं करते हैं, भगवान राम कहते हैं अगले जीवन में सर कटक तक रह जाओगे, लेकिन भगवान तुम्हें ये मानव शरीर नहीं देगी, पेड़ पौधा पशु पक्षी होकर जन्म लेते हैं, इसलिए जीवन रहते हुए क्या करो, भगवान की नाम को जप कर लो, केवल हाथ ना कर लो, बोले हरे कृष्ण जरूर हरि का नाम लेना, ठीक है ना, सवेरे उठ करके थोड़ी समय भगवान के लिए निकालो, निकाल करके ठाकुर जी की नाम जप करो, ये प्रभु का नाम से तुम्हें शांति कमाई ले लो। देखो इसमें इसलिए इसमें तो तीन नाम है, ध्यान देखो इसमें, इसमें हरे हरे मतलब क्या, इधर ध्यान से सुनो मेरे तरफ से, देखो
हरे मतलब होता है संसार में जो दुख कष्ट को जो हार लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरी। हरी मतलब जो हमारे दुख कष्ट को हार ले, इसलिए हरी। कृष्ण मतलब क्या? मन हमारी बड़े चंचल है, इधर उधर भटकता है, मन को शांति नहीं मिलती। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, मतलब ये भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे और ये मन को जो शांति दे। और राम मतलब क्या? जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में आराम दे। ये भगवान के नाम की इतना महिमा, आप बोलोगे हम प्रभु का नाम करते तो हो ही नहीं जाते। पर शास्त्र ने बताया 10 तरह का नाम अपराध है। अगर ये नाम अपराध को छोड़ करके अगर ये नाम करेगी फिर ये नाम जल्दी जल्दी फल प्रदान करेगा। बोले नाम अपराध, पहला नंबर किसी साधु संतों की चुगली मत करो, साधु संत की कभी निंदा मत किया करो, गुरु जी की अवज्ञा मत करो, भगवान को साथ में, कृष्ण को साथ में, दूसरे देवादेवी ब्रह्मा शंकर जी को ऐसे नहीं। अरे जो ब्रह्मा शंकर जो है देवी जो वही कृष्ण, ये भी एक अपराध है, हैं? ये एक अपराध है। इसलिए नाम की महिमा को जान करके भी नाम बोले पाप बुद्धि, मतलब कहते भैया पाप करने पर प्रभु का नाम करने से पाप दूर हो जाता है, इसलिए जान बुझ कर पाप करते रहो, है जान बुझ करके बोले प्रभु का नाम लेने पर तो पाप दूर हो जाते हैं, पाप करो और नाम भी करो तो ज्यादा पाप फिर ज्यादा अपराध हो जाते हैं। इसलिए शरीर में मेरा बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, भगवान के नाम की महिमा को सुन करके। बोले भैया शास्त्र ने तो बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, ये तो बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, इसलिए 10 तरह का नाम अपराध होता है। जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, अगर डॉक्टर आपको बीमारी सही करना चाहता है ना, बोलेगा भैया दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ लेकिन परहेज को साथ में अगर तुम दवा लोगे ना तो तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। इसलिए परहेज को साथ में हरिनाम लेनी चाहिए, फिर तो आप जो मांगो ठाकुर जी से फिर ठाकुर जी तुमको सब इच्छाओं को पूरी कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके ये माला लेकर के भगवान की नाम को जप करना, ठीक है ना। कौन कौन करेगा? सब गर्व है आपको बाद में, आज एकादशी है ना, आज एक माला करोगे ना, एक माला करोगे तो 100 माला करने का फल मिलेगा। आज हम एकादशी में बैठ करके कोशिश करेंगे एक माला जप करने की, ठीक है। हमारे प्रभु जी आपको नाम की थोड़ी सी महिमा बताएगी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुपद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसंवदितं श्रीनन्दनन्दनं मन्दिराधिकाचरणद्वयं गोविन्दं समायुक्तं वृन्दावनं मनोहरम् पांचाकल्पतृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्णचैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद और विश्वपाद तिरंडी स्वामी परिव्राजकाचार्य श्री शंकर भक्ति विलासी देव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद श्रीपाद परमेश्वरी गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के श्री चरणों में ये पंक्ति प्रणाम। गुरुदेव का आदेश है कि हरि नाम की क्या महिमा है उसका हमें श्रवण करना है। अभी हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा में ही हरि नाम की महिमा बताई गई है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं तो पंचम स्कंद में बता रहे हैं संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो, हर कोई दुखी है संसार में। इसलिए दुखी है क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, अपराध किए हैं, उसके कारण और इस जन्म में जन्म क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होते हुए भी हम अनजान बन रहे हैं, उसके कारण जो है हर कोई कष्ट पा रहा है, हर कोई दुखी है। उसी को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो संसार है क्या है, त्रिगुणमयी है। त्रिगुणी मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक।
सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये जो है किसके गुण हैं, ये माया के गुण हैं। तो माया ने जो है हमें भ्रमित कर रखा है, हम लोग वो जो है उनको परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग पाप कर्म कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे सब लोग। अब कैसे कैसे नरक में जाएंगे सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कोई अंधित नरक में जाएगा, कोई रौरव नरक में जाएगा, कोई महारौरव नरक में जाएगा, इस प्रकार नरकों का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति पाप कर्म करता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ नरक में जाता है। जैसे लोग देखें, हम देखते हैं कोई मुर्गा खा रहे, कोई बकरा खा रहे, वो जो है उनके लिए ऑलरेडी वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं तैयार, जैसे वो काटते हैं उनको वैसे उनको काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि कब यहाँ ही आएगा और हम इसको भी काटेंगे। कोई अवैध स्त्री संग करता है तो वहाँ क्या करते हैं नरकों में, क्या करते हैं उनके साथ लोहे की स्त्री को गर्म कर देते हैं, उसको एकदम तप्त हुए जैसे उसको उससे आलिंगन कराते हैं। कोई पुरुष कोई स्त्री पुरुष का संग करती है उसके साथ भी ऐसे होता है, ऐसी कोई दारू पीता है उसके साथ क्या करते हैं गर्म लोहे को पिघला कर उसे पानी के जैसा बना, बहुत लोहे जब पिघल जाता है तो पानी के जैसा हो जाता है वो, उसे जो उसे पिलाते हैं, उसे पिलाने जब अभी हमारी थोड़ा सा जल जाए तो इतना कष्ट होता है कि नहीं, अगर उसको गर्म लोहे को पिघला कर जब हमारे मुँह में डालेंगे तो कितना कष्ट होगा। वैसे ही नरकों का कष्ट का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। परीक्षित महाराज जी श्रवण करके थोड़ा सा डर गए, जब उन्होंने ये वर्णन सुना तो परीक्षित महाराज जी भी डर गए। अब जब हम जैसे पंडित जी ऐसे ऐसे पाप कर्म कर रहे हैं तो क्या हमें डर नहीं लगता, बताइए, लगता नहीं लगता, लगता है, परंतु क्या है हम जान बूझ कर भी जो है अनजान बन जाते हैं, पाप कर्म करते हैं सोचते हैं भगवान के आगे क्षमा मांग लेंगे तो क्षमा कर देंगे, हम क्षमा भी मांग लेते हैं फिर भी क्या करते हैं वही पाप कर्म करने लग जाते हैं। इसी के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं, परीक्षित महाराज जी ने उनसे प्रश्न किया था प्रभु इनसे दूर होने का कोई उपाय है, या इनसे इन जो कष्ट मिलेंगे इन कष्टों को दूर करने का कोई उपाय है, तो उन्होंने बताया भागवत में अजामिल का उपाख्यान है, तो अजामिल का उपाख्यान उनको श्रवण कराया, उसी के माध्यम से इसमें हरिनाम की महिमा का वर्णन किया है। बता रहे हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, वो छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी ने उसको जंगल से फूल लेने के लिए भेजा, वो फूल लेने के लिए गया, वहाँ जाकर जब फूल लेकर वापस आ रहा था उसने आकर के देखा कि एक पुरुष एक स्त्री का संग कर रहा है, और उसे देख करके जो है वही जो है उसके मन में चिंतन बार बार चिंतन होने लगा, और ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जो स्त्री पुरुष के संग को देख करके कामातुर ना हो जाए, हो भी जाएगा निश्चित, वो भी जो है उनके मन में वही चिंतन चलने लगा बार बार। अब अपने घर पहुंच गए, घर पहुंचने के बाद भी मन में उनके वही चिंतन चल रहा है। अब उन्होंने क्या किया, जब उस वैश्य जो स्त्री का संग कर रहा था उस स्त्री को अपने घर ले आए, घर ला करके उसे हर प्रकार की सुविधा सुख सुविधा प्रदान की, जो उनकी पहली पत्नियाँ थी उनको भी सब छोड़ दिया, अपन अच्छे राजे थे सब छोड़ दिया, और उसमें इतना आसक्त हो गए उसी के साथ सब कुछ करने लगे, राज्य सब चलाने लगे, और धीरे धीरे बच्चे भी हो गए। उससे लास्ट में जब उम्र हो गई भोग करते करते जब बूढ़े हो गए तब उनको एक बच्चा हुआ, और उसी समय क्या हुआ जब बच्चे का नामकरण होता है तो उसी समय एक महात्मा उनके घर पे आए, महात्मा ने आकर पूछा उनके घर का हालचाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, उससे पहले ही बच्चे हुए थे, उन्होंने पूछा कि क्या क्या नाम रखे हैं सबके, किसी का चिंटू होता है किसी का पिंटू किसी का किच किसी का कुछ, जैसे हम संसार में रख देते हैं ठीक है नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि नाम होते हैं चिंटू पिंटू, अरे भगवान के नाम पे नाम रखो बच्चों का, तो उन्होंने उस बच्चे का नामकरण किया महात्मा जी ने, उस बच्चे का नाम रखा नारायण।
अब स्वाभाविक सी बात है, जब छोटा बच्चा होता है तो हर किसी की प्रीति जो है बच्चे में होती है, छोटे बच्चे में होती है। अब उन्होंने जो है उसको हर समय उसकी बच्चे की स्मृति होती थी। खाना खाने के लिए बच्चे को बुलाते थे कि मेरे लिए खाना ले आ, कोई भी काम होता उस बच्चे को बुलाते थे। वो बच्चे में इतना आसक्त हो गई कि हर समय उसी का स्मरण होता था। अब उम्र तो हो गई, जाने का समय हो गया, और उन्होंने इतने पाप किए कि जो यमराज के दूध हैं जो लिखते हैं खाते में, वो भी थक गए लिखते लिखते, इतने पाप किए उन्होंने। अब जब मरने का समय हुआ तो यमराज के दूत आए, तीन दूत आए यमराज के। तीन दूत क्यों आए? क्योंकि हम पाप जो करते हैं कैसे करते हैं? शरीर, मन और वाणी के द्वारा। तीन तरीके से पाप करते हैं ना, किसी को गाली दे दिया, किसी को कष्ट दे दिया, किसी को मन से ही मानसिक दूसरे से जो है ईर्ष्या कर ली, इस तरीके से हम दूसरों को कष्ट प्रदान करते हैं। तो तीन दूत आए यमराज जी के, उनको ले जाने लगे वो। और शरीर तो यही रह जाता है, शरीर तो जड़ है, किसको लेकर के जाते हैं? आत्मा को लेकर के जाते हैं। उसको लेकर के जब जाने लगे तो उनको जो भय लगा, उनको देख करके यमराज के दूतों को, क्योंकि उनके हाथ में खड़ग, किसी के हाथ में खड़ग है, किसी के हाथ में कुछ है, क्योंकि उनको तो कष्ट देते हो आत्मा को, जितने पाप कर चुके हैं तो उसका तो फल होना ही पड़ेगा, निश्चित ही बात है। अब उन्होंने जो उनको देख कर जाने लगे वो, तो तब उन्होंने अपने पुत्र का नाम पुकारा कि नारायण है नारायण। अब नारायण जो उनका पुत्र है भगवान, वो तो भगवान को नहीं पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? अपने पुत्र को। लेकिन नारायण नाम किसका है? भगवान का नाम है ना। जैसे उदाहरण देते हैं, अगर आप अग्नि में हाथ दो तो वो जलाएगी जलाएगी, चाहे अनजाने में दो या जानबूझ करके दो। वो कभी ये नहीं सोचेगी ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा आदमी है, ये कभी नहीं सोचेगी। ऐसी भगवान का नाम है, भगवान का नाम चाहे कोई अनजाने में ले या जानबूझ करके ले, वो फल देगा ही देगा। ऐसे ही उन्होंने जब अपने पुत्र को लक्षित करके भगवान का नाम पुकारा तो उधर से भगवान के चार दूत आ गए, विष्णु दूत। और चारों कैसे हैं? जैसे भगवान का स्वरूप है ऐसे ही उनका भी स्वरूप है। संख चक्र गदापद वस्तु पड़ी सबके गले में, बड़ा ही सुंदर स्वरूप, जैसे भगवान का स्वरूप है ना ऐसे ही उनका स्वरूप। ऐसे ही अब उन दोनों के बीच में जब उनको लेके जा रहे थे वो यमराज के दूत, तो उसे विष्णु के दूत बोलते भी, तुम जो है इसको क्यों लेके जा रहे हो, ऐसा इसने क्या किया है, तुम्हें पता ही नहीं कि इसने अंत समय में क्या किया है। बोले विष्णु दूत बोलते हैं, यमदूत बोलते हैं कि इसने इतने पाप कर लिए हैं, इसको तो नरक में जाना ही जाना है। लेकिन गीता में क्या बताया है? यम यम स्मरण जयंती कलेवरम। तो जो अंत समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता है वो कुछ कुछ भाव को प्राप्त होता है। तो अंत समय उन्होंने किसका स्मरण किया था? नारायण का। लेकिन भगवान का नहीं, अपने उन्होंने पुत्र का स्मरण किया था। उनके पुत्र का नाम क्या था? नारायण। अपने पुत्र का स्मरण किया था, भगवान का स्मरण नहीं किया। उधर से विष्णुदूत बोलते हैं कि तुमने सुना नहीं इसने अंत समय में किसका स्मरण किया है? बोलते कि इसने जो है अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण किया है। तो ये वैकुंठ जाने योग्य है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। तो वहां पर यमदूतों के और विष्णुदूतों के बीच में बहुत शास्त्र लाभ हुआ है। पुरुषिमन विष्णुदूत बता रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहासम स्तोम हेलनम एव वैकुंठ नाम अग्रणम वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष अग्रम विदुर। कि भगवान का नाम कोई संकेत पूर्वक ले, मतलब किसी को लक्षित करके ले, कोई हंसते हुए ले ले, स्तोम करते हुए, या हेलनम पूर्वक मतलब अवहेलना पूर्वक कोई भगवान का नाम ले तो भी वैकुंठ जाने योग्य है। इस प्रकार उन्होंने जो है नाम की महिमा बताई विष्णु दूतों ने। तब जाकर के उन्होंने यमदूत जो है कहाँ पहुँचे? यमपुरी पहुँचे। यमपुरी पहुँच करके उन्होंने हमसे पूछा यमराज जी से, आपने हमें कहाँ भेजा? वहाँ जाकर के हमें उनसे शास्त्र लाभ करना पड़ा। तब उन्होंने यमराज जी ने बताया कि जो भगवान के भक्त हैं
उनके पास कभी भूल कर मत जाना। और जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है वो क्या करते हैं? जो भगवान के भक्त है वो तो भजन करते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? माला करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नहीं करते। क्या करते हैं? कोई पाप कर्म में लगा हुआ है, कोई किसी कर्म में लगा हुआ है, कोई किसी कर्म में लगा हुआ है। इस प्रकार उनकी दुर्बुद्धि बुद्धि जो है नष्ट हो गई है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो भगवान के भजन में नहीं लगोगे ऐसे लोगों को पकड़ कर ही मेरे पास लेकर के आना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 बोला एक नाम संकीर्तन की जय। देखो ये जो अजामिल की जो कथा है ना उसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। भगवान का नाम अगर किसी तरह से मुंह से निकल जाए, उसने अपना बेटा का नाम नारायण रखा, उसने ठाकुर को नहीं पुकारा, किसको पुकारा था? अपना बेटे को पुकारा। लेकिन भगवान के नाम इतने शक्ति, जब विष्णुदूत और जमदूत में तर्क वितर्क हो रहा था, जमदूत कहते हैं हम इसको नरक ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हैं हम इसको बैकुंठ ले जाएंगे। इतने में जब विष्णुदूत ने पूछा जमदूत को, बताओ तुम क्यों नरक ले जाओगे, किसने क्या किया? बोले आपको पता नहीं, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मणी घर में ब्राह्मणी इतने सुंदरी थी, अपना ब्राह्मणी को कम उम्र ब्राह्मणी को त्याग दिया और एक वैश्या को साथ में रहा, 10 बच्चे हुए, उनको लालन पालन करने के लिए चोरी गुंडागर्दी डाकू डाला, और उसने क्या किया, उसकी हाथ में अमृत कुमृद ब्राह्मण होकर खाया, सीधा नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया उसने अच्छा कर्म तो कुछ किया? बोले क्या अच्छा कर्म किया? बोले वो अंतिम समय में जो नारायण का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले एक बार नारायण नाम लो, होगी ना? जिंदगी भर पाप करो, अंतिम समय में प्रभु का नाम लो, हो गया। देखो विष्णु दूत क्या कहते हैं, बोले देखो मूर्खो, तुम्हें क्या पता ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति? जब उसने बेटा का नाम नारायण धरा था उसी समय में उसकी सारे पाप नष्ट हो गया था। लेकिन जैसे आपका बच्चे को नाम धरा तो बार बार बोलते ना, बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा नारायण पानी ले आ, बेटा नारायण तो कहाँ हो, जैसे बच्चे को बार बार बोलते हैं ना, जैसे हम ये माला जब करते ही ऐसे ही बेटे को बार बार जो बुला सो माला जब हो गया। लेकिन उसने जब अंतिम समय में जो प्रभु का नाम लिया है ना, ये भगवान की विशेष कृपा है। जो अंतिम समय जो प्रभु का नाम लिया, मतलब प्रभु का नाम कब लिया, तो बेटे को नाम लिया, और प्रभु का थोड़ी नाम लिया, अपने बेटे को बुलाया, तब विष्णु जो तो कहते हैं, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे भूस का एक ढेर हो, नहीं तो रुई का एक ढेर हो, उसमें आग की एक चिंगारी लग जाए ना, वो जला करके राख कर देता है। लेकिन भगवान का नाम भी इतनी शक्ति है, इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम ही। भगवान का नाम को अगर किसी तरह से लेते हैं, तो उन्होंने बताया 4 तरह से भगवान का नाम कृपा करते हैं। पहला नंबर है सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब होता है इशारा करके, जैसे ना कृष्ण किसी बच्चे का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर नाम रख दिया, आप बच्चे को बारम्बार ठाकुर का नाम से पुकार से उससे कल्याण हो जाता है। इसलिए आप लोग देखना जितने बड़े बूढ़े होते ना, उनको पूछ लो क्या नाम है, सब ठाकुर का नाम रखा हुआ, जितने माताओं का जितने बड़े बड़े माताओं का पूछो, लक्ष्मी गीता ललिता सीता सब ऐसे नाम होगा, और जितने बड़े बूढ़ों को पूछ लो नाम कृष्णा गोविंद नाम होगा। अभी बच्चों का नाम पूछो क्या नाम है, टिंकी टुल्लू भुल्लू है, जितने विदेश में जो कुत्ते हैं ना, सब विदेश में जो कुत्तों का नाम को बच्चों का नाम धरवा है। इसलिए भैया बच्चों का नाम इधर उधर नाम से बच्चा का नाम नहीं धरवाए, धरवाया तो क्या कर, ठाकुर का नाम में भगवान बच्चों का नाम धरवाओ, कम से कम मुँह से ठाकुर का नाम निकलेगा, और जितना बार ठाकुर का नाम निकलेगा ना, हाँ बताया ना, उतना बार ऊपर में नोट हो रहा है ठाकुर का नाम। देखो उसने बेटा का नाम भूल से उच्चारण किया तो भगवत धाम प्राप्त हो गया। इसलिए आप लोगों बच्चों का नाम इधर उधर नहीं नाम रखने का, ठीक है ना? अगर कोई उल्टा उल्टा नाम रखे होगा तो मेरे पास में ले आना, हम सब भक्ति का नाम धरवा देंगे बच्चों को, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय हो।
आप थोड़ी सी 10 मिनट एकादशी कथा सुन लो, फिर इसको बाद में कथा को हम विश्राम कर लेंगे। आज आज कौन सा व्रत है? आज आज एकादशी तिथि है, और जो कल जो है ना, कल जो द्वादशी, कल द्वादशी का विशेष महत्व है। कल श्री बामन द्वादशी है, कल भगवान श्री बामन के भगवान जन्म लेने वाले ठाकुर बामन रूप में जन्म लेने वाले, और इसी कथा में एकादशी भी आ गई, भगवान बामन देव का तिथि भी आ गया। उसको बाद में हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े संतों का तिथि है, श्री हरिदास ठाकुर का तिथि है, इसलिए ये कथा में सारे संतों संतों का तिथि आ रही है, इसलिए कथा की बड़ी महत्व है इसमें। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद भगवान ओम विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य स्मर भक्ति वेदांत कर सीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण साकन में प्रणाम करते चूत बाबा चरण। तत्पश्चात परम गुरुदेव भगवान समय समस्त रूपांग गुरुपाद पद्म श्री राधा गोविंद देव गौर नित्यानंद प्रभु उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव भक्त वृंद श्रोत मंडली समस्त चरण में अधम का यथा योग्य धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, कौन कौन आज एकादशी किए है? तो आज सब आप लोग मिले ताली बजा कर एकादशी का, ये एकादशी का महिमा शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में बड़े सुंदर रूप में नवम स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, बोले परीक्षित सुनो, अभी सूर्य वंश के जो वंशज हैं मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ। सूर्य वंश में ये रामचंद्र आए, उनके वंश में ही बोल रहे हैं कि नारायण के जो नाभिमंडल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, और ब्रह्मा के पुत्र मारीचि, मारीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र वैवस्वत सूर्य, जिनसे सूर्य वंश शुरू हुआ, और उनके पुत्र श्रद्धादेव मनु, जिनका श्रद्धा नाम का एक पत्नी थी, और वो पत्नी पति पत्नी दोनों के दोनों भगवान के परम भक्त थे। परम भक्त तो थे लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। अब सूर्य वंश के पुरोहित वशिष्ठ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया और हो गया उनका 10 पुत्र। उन 10 पुत्र में भी जो कभी मारीचि जजाति इत्यादि करके नवभाग ऐसे करके जो नवभाग हैं उनका जो पुत्र है उनके वंश में आते हैं नवभाग। जिस प्रकार वसुदेव का पुत्र वासुदेव, उसी प्रकार नवभाग का पुत्र नवभाग, और उसी नवभाग के कुल में आते हैं ये अम्बरऋषि महाराज। और ये अम्बरऋषि महाराज इनका बड़ा महिमा है शास्त्र में, बोल रहे ये अम्बरऋषि महाराज परम वैष्णव शिरोमणि है। एक क्षत्र सम्राट थे, हमारा एक दो घर एक दो मकान हो जाते हैं तो हम अपने सर को उठा करके बोलते हैं कि हम कोई सेवा नहीं करेंगे, सारे के सारे काम नौकर करेंगे। हम ऑफिस जाते समय बोल देते हैं नौकर को, अरे धूप दीप दिखा देना भगवान को, हम खुद नहीं करते। लेकिन ये एक क्षत्र सम्राट होने के कारण भी इनका इतना तेज था, ये क्या करते थे, सबे कृष्ण मन पदार बिंदयो पाचान सी वैकुंठ गुणानुवर्तने, बोल रहे हैं कि अपने सारे इंद्रिय को, जितने भी उनके 11 इंद्रिय थे, 11 इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते थे। ये क्या करते थे, भगवान की जो वाणी वैकुंठ वार्ता में भगवान की जो कथा कुछ स्वयं बोलते थे, और कान के द्वारा भगवान की उल्टा पुल्टा चीज नहीं भगवान की कथा सुनते थे। और करो हरे मंदिर मार्जना दो, हाथ के द्वारा भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, मंदिर खुद लिपा मंदिर खुद को उसको सफाई करते थे, झाड़ू पोछा लगाते थे। तो इस प्रकार अनेक दास दासी होने के कारण भी राजा है, कहाँ राजा और कहाँ मंदिर को सफाई कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि धाम का परिक्रमा करते थे चरणों में, और अपने नाक के द्वारा भगवान के जो मकरंद जो सुगंधित पुष्प उसको आघ्राण करते थे, मुख के द्वारा उल्टा पुल्टा चीज नहीं खाते थे, भगवान को भोग लगा करके उसको आस्वादन करते थे, महाप्रसाद ग्रहण करते थे, और दर्शन भगवान का दर्शन करते थे, स्पर्श भगवान के भक्तों का स्पर्श सेवा आदि करते थे, साधुओं को सेवा करते थे। ये इस प्रकार का भक्त थे। यहाँ तक
वैष्णव लोग यहाँ तक बताया है कि बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त थे कि ये खुद क्या करते थे ना, चक्की पीसते थे, आटे निकलेगा और उसी आटे में से ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा। तो एक समय चक्की पीस रहे और भगवान भक्तवत्सल हैं तो सुगंधित हवा आने लगा, बड़े मलय चंदन हवा आने लगा। जैसे ही हवा आने लगता तो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में अपने पीताम्बर को ऐसे उनको व्यंजन कर रहे हैं, व्यंजन कर रहे हैं उनको थोड़ा कि कष्ट निवृत्ति हो जाए। तो उसके बाद बोले, पीछे देखे, प्रणाम के, बोले जय जय प्रभु, हम दास हैं, आप सेवक हो, हम आपके सेवा करने के लिए, आप उल्टा हमारा सेवा कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, बोले अम्बरीश, मेरा इतना क्या कर्तव्य नहीं है, तुम मेरे लिए एक क्षत्र राजा होके भी इतना सेवा करते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा हवा नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा पंखा नहीं कर सकता हूँ। बोले अम्बरीश, देख लो, तुम मेरे लिए पूरा का पूरा समय मेरे सेवा में व्यतीत करते हो, मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। तो देख लो अम्बरीश, आज से ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं, ये है तेरा, ये सुदर्शन चक्र ये मेरा नहीं, ये है तेरा, और जिस समय तुम्हारे कोई भी विपत्ति आ जाए निश्चित रूप में सुदर्शन चक्र तुम्हें बचाएगा। तो एक समय की बात है, ये अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत के और बड़े सुंदर रूप में एकादशी व्रत करके ये यमुना जी में स्नान किए, स्नान करके सारे राम का अभिषेक किए, और एकादशी व्रत का विधि है कि दशमी को निराहार, एक समय भोजन करना पड़ेगा, और एकादशी को पूरा निराहार मतलब निर्जल व्रत करना पड़ेगा, और द्वादशी को एक समय हो उसी समय के अंदर पारायण पारण करना पड़ता है, उसी समय के अंदर नियम है व्रत खोलना पड़ता है। तब ये अम्बरीश महाराज ने जब एकादशी व्रत निर्जला किया और द्वादशी तिथि जब आया, विधि है कुछ किदा या ब्राह्मणों को कुछ दान दे के ही व्रत खोलना चाहिए, तो दान दिया इन्होंने गायों का, हजार हजार गाय, करोड़ करोड़ गाय दान दिया। भागवत जी में वर्णन करें, ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया, ब्राह्मण को इतना दान दे, जब ये पारण करने जा रहे थे उस समय आ गए ये दुर्वासा ऋषि। अब भाई दुर्वासा ऋषि कौन है, ये है बड़े क्रोधी, साफ दे देते हैं तुरंत तुरंत, और तुरंत ही झट करके प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है। अब यहाँ पे ये दुर्वासा ऋषि इस प्रकार जैसे ही आ गए तो अम्बरीश महाराज बोल रहे, बोले जय जय महाराज, आओ पधारो, और पधार के क्या करो ना, भोग ग्रहण करो, प्रसाद पाओ। तो दुर्वासा बोल रहे हैं, देख अम्बरीश जी, अब मेरा संध्या वंदन के समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ स्नान करने, स्नान करने के पश्चात मैं आके भोजन करूंगा। अब अम्बरीश जी द्वंद में पड़ गए, अब समय हो गया था द्वादशी की तिथि, अगर उसी टाइम लिमिट में अगर ग्रस्त हो जाए तो व्रत का फल निष्फल हो जाता है, व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा उसी समय के अंदर अगर हम व्रत नहीं खोलेंगे। तो अम्बरीश ने वहाँ पे ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण को पूछते हैं अब मेरा क्या कर्तव्य है, तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, देखो जल को, जल के द्वारा अगर पारण किया जाए ना खाना होगा ना ही व्रत का नष्ट होगा, तो तुम क्या करो, पानी पी लो, भगवान की चरणामृत ले लिया अम्बरीश ने। अब इधर दुर्वासा ने अपने जोग बल से देखा कि अम्बरीश ने मुझे निमंत्रण किया भोजन करने के लिए और मुझे बिना दिए ही क्या किया, मैं जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही जल ग्रहण कर लिया तो इनको बड़ा क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को, और तुरंत ही अपने एक जटा को फेंक दिया उखाड़ करके, और वहाँ पे कृत्या नामक एक राक्षस ही प्रकट हो गया। अब वो कृत्या इतना भयंकर है, उसका आग जैसा मुंह, और अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ के चले गया, अम्बरीश को मारने के लिए जब चले गया, अम्बरीश हाथ जोड़कर बैठ गए सावधान, वहां पे सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र आके कृत्या को जला दिया। अब कृत्या को जलते हुए देख दुर्वासा तो बड़े आश्चर्य हो गए, अब ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे भागने लगा। अब दुर्वासा भागने लगे, फिर दुर्वासा कुछ भाग रहे हैं और दुर्वासा जैसे भाग रहे हैं सुदर्शन उनके पीछे पीछे दुर्वासा आगे आगे, दुर्वासा चले गए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा को बोले प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, ब्रह्मा बोले किससे, बोले सुदर्शन चक्र से, दुर्वासा बोले सुदर्शन चक्र से। तो जैसे ही सुदर्शन का नाम सुनते हैं ब्रह्मा घबरा गए और भाग यहाँ से। जैसे ही शिव जी के पास गए बोले हे भोलेनाथ आप तो कृपालु हो, आप भोले हो, आप कृपया रक्षा करो, बोले किससे, सुदर्शन चक्र से, बोले मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये अमोघ अस्त्र इसको मैं काट नहीं सकता, इसको अगर कोई काट सकता है जिसका ये अस्त्र है वही काट सकता है, अब बताओ सुदर्शन चक्र कौन धारण करते हैं, भगवान विष्णु।
भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। तो सुदर्शन चक्र को धारण करने के पश्चात भगवान विष्णु स्वयं सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। यहाँ पे शिव जी बोले कि अब तुम उनके ही शरण में चले जाओ, जिनके सुदर्शन है उनके शरण में चले जाओ, वही तुमको रक्षा करेंगे। अब भागते भागते दुर्वासा भगवान के विष्णु के चरण में गए और बोल रहे हैं, प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण्य हो, आप गो ब्राह्मण्य हिताय च, आप ब्राह्मण के हित के लिए और गायों के हित के लिए हमेशा तीना पार करके आप खड़े रहते हो रक्षा करने के लिए। अब प्रभु कृपा करके आपकी सुदर्शन मेरे पीछे पीछे भागे आ रहे, कृपया मुझे रक्षा करो। अब भगवान बोल रहे, अब नहीं हो सकता, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हूँ, जब मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पराधीन हो गया हूँ, मैं किसी के पराधीन में हूँ। तो इतना सुन के दुर्वासा का तो होश उड़ गया, दुर्वासा का होश उड़ गया, बोल रहे प्रभु आपके ऊपर भी किसका शासन चलता है, आपको किसको शासन ग्रहण करना पड़ता है, प्रभु जरा बताओ। तो भगवान बोलते हैं, अपने पराधीनता को स्वीकार करते हैं, कद के भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो स्वतंत्र साध्वी व्रत हृदय भक्त और भक्त वचन प्रिय अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र मैं भक्तों का पराधीन हूँ, बसी कुर्वंती मान नित्य, मुझे भक्त लोग बसीकरण कर देते हैं, पता नहीं किस प्रकार मुझे अपने प्रेम के रज्जु में मुझे बांध देते हैं और मैं उनके पीछे पीछे भागता हूँ। देखो ये सुदर्शन मेरा था लेकिन मैंने इसको दे दिया किसको, अंग ऋषि को। अब ये सुदर्शन मेरे बात नहीं मानेगा, अब ये सुदर्शन मेरा नहीं है और मैं भक्तों का पराधीन हूँ, पराधीन को स्वीकार करता हूँ, मेरे ऊपर भक्तों का शासन चलता है, मैं कुछ भी कुछ नहीं कर सकता। और एक बात बता रहे हैं भगवान कि देखो जिस भक्त ने पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आया है उस भक्त को भला मैं कैसे त्याग दूँ। इसीलिए मैं तो केवल एक ही चीज को जानता हूँ, क्या न साधु ही ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जनप्रिया, मैं तो केवल साधु के हृदय में निवास करता हूँ, साधु नाम हृदय मयम, साधु नाम हृदय तयम, मत अन्य न जानती नाहम तिव्य मनागपी, मैं तो केवल साधुओं को जानता हूँ जो साधु मेरे हृदय में मुझको धारण करते हैं और मैं उनके भी अपने हृदय में धारण करता हूँ, मत अन्य न जानती, मेरे अलावा जो साधु और कुछ नहीं जानते तो मैं केवल उनके भी अलावा जगत में और किसी को भी नहीं जानता। तब यहाँ दुर्वासा बोल रहे प्रभु मैं शरणागत हूँ, आप सर्वशक्तिमान हो, आप परम दयालु हो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्रता हो, आप चाहो तो सुदर्शन को रोक सकते हो, फिर भी आप बोल रहे हो मैं शरणागत होकर आपके चरण में आया हूँ, प्रभु आप ही बताओ क्या आप शरणागति पे कलंक लग जाएगा, क्या आप मुझे कृपा नहीं करोगे क्या। तो भगवान बोल रहे नहीं नहीं मैं उपाय बता सकता, भगवान ने उपाय बताया, बोले भाग के जाओ, जिसके वैष्णव के चरण में अपराध किया है उनके चरण पकड़ लो, वो अगर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप में तुम्हारा उद्धार होगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो नारायण ने अपने दो हाथ जैसे ही उठा लिया कि घबराते हुए दुर्वासा वहां से भाग के चले गए, भाग करके जाके ये अम्बरीश महाराज जी के पास गए और अम्बरीश महाराज जी के चरण में पड़ गए। जैसे ही अम्बरीश महाराज के चरण में पड़ते हैं अम्बरीश महाराज बोलते हैं, प्रभु तो साधु क्या आप उल्टा गंगा बहा रहे हो, कहां मैं अपराधी आपको भोजन नहीं कर पाया करवाया और आप उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैं अपराधी हूँ। बोले अम्बरीश अपराध अपराध का बात बाद में चलेगा, पहले ही सुदर्शन को मना कर लो, पहले ही सुदर्शन को बंद कर दो। तो वहां पे अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन जी का स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद सुदर्शन फिर वहां पे रुक जाते हैं, सुदर्शन रुक तो गए ये, लेकिन फिर अम्बरीश बोलते हैं कि चलो प्रभु एक साल तक मैंने आपकी प्रतीक्षा किया, यानी एक साल तक ये सुदर्शन चक्र त्रिकाल त्रिभुवन में जहाँ जहाँ दुर्वासा जाते हैं वहाँ वहाँ उनका पीछे पीछे दौड़ते हैं और वहाँ वहाँ तक उनको छोड़े नहीं एक साल तक। तो अम्बरीश बोल रहे प्रभु मैंने एक साल तक आपका निमंत्रण किया था एक साल पहले और एक साल बीत चुका है और एक साल के बाद अभी चलो आप भोजन कर लो। तो दुर्वासा पूछते तुमने अभी भोजन नहीं किया, बोले प्रभु मैं आपको ब्राह्मण को निमंत्रण किया हूँ, आपको निमंत्रण को बिना रक्षा किए मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। दुर्वासा बोले राम राम ये तो अनर्थ हो गया, तो बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे वैष्णव उल्टा अपराध हो गया, तो मैं क्या करूँ, चलो उनको प्रणाम करके इस प्रकार अम्बरीश महाराज जी ने दुर्वासा को फिर जान को बचाया, फिर दुर्वासा का थोड़ा होश आया। तो बोल रहे हैं
कि जो अम्बरीश महाराज है ये नित्य भागवतम सुन के हर समय भागवत जी में ही रमे रहते हैं और भागवत जी में केवल एक ही व्रत का बात आता है, वो क्या है ना, एकादशी व्रत। और एक बात है, एकादशी व्रत क्या है, ये बोलते हैं उपवास। उपवास, उप मतलब है भगवान के सान्निध्य में, बात मतलब बैठना, भगवान के साथ बैठना। अब बताओ भगवान के साथ कैसे बैठोगे, भगवान के साथ कैसे बैठोगे, बोल रहे हैं कि हरिनाम करने के द्वारा, भगवान के नाम कथा चिंतन करने के द्वारा, जिस प्रकार अम्बरीश महाराज जी सेवा करते थे, ऐसा नहीं है कि व्रत हो गया और व्रत कर दिए तो पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के हम टीवी के सामने बैठ गए। टीवी के सामने बैठने के लिए नहीं बोल रहे, ये उपवास यानी भगवान के सामने बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो कैसे बैठोगे, भगवान की सेवा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा, गुरुपाद भक्त भी बता रहे थे, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम, ज्यादा से ज्यादा वैष्णव सेवा, इस प्रकार का कथा कीर्तन श्रवण करके ये उपवास को किया जाता है। और आज के दिन अन्न में सारे के सारे पाप रहते हैं, सारे के जितने भी ब्रह्म हत्या, भू हत्या, कीट हत्या, जितने भी जीव हत्या, सारे हत्या का जो पाप है ये अन्न में रहते हैं। इसलिए बताओ कौन कौन अन्न खाए आज, हाथ उठाओ, सबके सब एकादशी के। तो आज से जो एकादशी व्रत है, ये अन्न, ये स्वयं ये अन्न एक बार भगवान के पास जाते हैं। वैष्णव लोग बोलते हैं ये अन्न दौड़ते हुए भगवान के पास गए, प्रभु बचाओ बचाओ, तो भगवान बोले क्या हुआ, तो अन्न बोले कोई भी मुझे कोई भी ब्रेक नहीं देता है, सबके छुट्टी है, संडे है, इसका क्या क्या छुट्टी है, मुझे कभी भी छुट्टी नहीं देते, सब लोग फटाफट पूरा प्रसाद पा जाते हैं, मुझे कोई छुट्टी उट्टी नहीं देता, अब मुझे छुट्टी दे दो। तो भगवान बोलते हैं चलो तुम्हारा छुट्टी लिख लेता हूँ तुम्हारे रजिस्टर में, ये एकादशी के दिन तुम्हारा छुट्टी है। तो अन्ना बोल रहे हैं अगर वो एकादशी में मुझे अगर कोई भक्षण किया तो, बोले देखो मेरे जितने भी भक्त हैं वो पाप से मुक्त होने के लिए एकादशी में अन्न नहीं खाएंगे, और जो लोग अन्न खाएंगे वो सारे के सारे पाप उनके शरीर में आ जाएगा, उनके ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये अन्न हमको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये एकादशी व्रत की महिमा है, इतना महिमा है। हम लोग कितने भी व्रत करते हैं उसका फल तो केवल मात्र उसका फल एक ही होता है, लेकिन साल में कितना एकादशी आता है, 24 एकादशी में 24 प्रकार का फल है, 24 प्रकार का विधि है। बोले पुत्रदा एकादशी, एक एकादशी का नाम पुत्र प्राप्ति करता है। अन्नदा एकादशी, इसको व्रत करोगे तो घर में कभी भी राशन अन्न का कभी भी अभाव नहीं होगा। और बोल रहे हैं पाप मोचिनी एकादशी, पाप को पूरा संपूर्ण नाश करने वाली, इस प्रकार का सफला निर्जला बहुत सारे एकादशी है जिनका अलग अलग महिमा है, अलग अलग महत्व है। इस प्रकार आज ये एकादशी है और ये हमारा बड़ा सौभाग्य की है बात है कि भागवत में ये एकादशी तिथि आई है। इसलिए बोल श्री एकादशी देखो, आज सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, क्या माता जी क्या प्रसाद बनाए, हाँ आलू, आलू की सब्जी, मूंगफली और सभी के साथ में केले और सेब भी है। और माता जी ने क्या नाम तुम्हारी, पूनम दीदी, मैंने प्रेम लता नाम रखा है, इसलिए मैंने आज बच्चों ने सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। ठाकुर इनको खूब कृपा करे, आशीर्वाद दे इनके परिवार को और इनका पूर्वजों को भी शांति मिले। और इसमें हमारे श्री जितेंद्र प्रभु जी भी हैं, ये भी आज सभी के लिए सेब और केले के लिए सभी के लिए भक्त के लिए इन्हें दे दिया। अभी निकल जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। आज एकादशी है, हमने बताया था ना, अगर आज एक माला करोगे ना 100 माला करने का फल मिलेगा, कितने, इसलिए आज हम बैठ करके कोशिश करेंगे 5-7 दिन लगेगा एक माला करके, फिर हम सभी यहीं पर प्रसाद लेकर सबके सब एकादशी का प्रसाद लेकर जाना, केले है, सेब है, मूंगफली है, आलू की सब्जी, चकाचक प्रसाद खाना और सबके सब घर जाना। और कल एक एक भक्त 10-10 भक्तों को लाना, कितने लाना,
हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जिसको आप साथ में लाओगे ना, जो मुन्ना उनको मिलेगा, लाने वाले का आधा पुण्य मिल जाएगा, लाने वाला को आधा पुण्य मिल जाएगा, जितने महिमा इसको कथा में लाते हैं। ठीक है, ये माला दे दो सबको। मुझे लगता है हमारे भक्त लोग तो ज्यादा मतलब हमारे भक्त तो ज्यादा बैठे लगता है, जिनको पास में माला को मत ले, जो एकदम नए लोग हैं माला, लेकिन आपको लेने के लिए नहीं वापस दे देना माला, जब तक मेरे वापस दे देना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे पूरी भागवत में एक एक माला रोज रोज जमा देना, फटाफट दो, दो तीन व्यक्ति को दे दो, जिनको पास में माला नहीं उनको दो, दो चार व्यक्ति को दे दो, फटाफट लेकर खड़े हो गया सबको। अब माला हम लोग वापस ले जाना, कोई लेना नहीं। हमारे जो भक्त लोग हैं ना, जिनके पास माला सुना देना, जिसको आज नहीं है हरे कृष्णा, फटाफट हरे कृष्णा। अब लोग मेरे तरफ में देखो, इधर देखो, मेरे तरफ में देखो, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक समय चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने कहा, प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। ध्यान से सुना, बोले हमारे घर में आपका भोजन है। अच्छी तरह सुना, ये नाम करने से क्या फल मिलेगा? भगवान एक शिक्षा करने के लिए बोले, देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु मैं किसको घर में भोजन करता हूँ? ध्यान देखो, सुनो, इधर देखो मेरी तरफ में। अगर किसको पास में माला नहीं तो वो चिंता मत करो, मेरे साथ में करना, आपको फल मिलेगा। ठीक है, अभी हम मत समझो माला है नहीं कैसे, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा। अरे आज से 550 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो उसको घर में हम भोजन करेंगे। और भक्त लोग जो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक में नहीं। 100 रुपया मतलब क्या? जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो, बोले क्या हमारे घर में आप भोजन नहीं करोगे? भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रो जाना, जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम लेते हैं वही असली लखपति। असली इसलिए मेरा कहते हैं, ले लो रे भाई राम का प्यारा आकाश लगा गली गली, राम नाम के हीरे पति मैं बिखे राम गली गली। असली जो हीरे पति प्रभु का नाम, आप देख लो लखपति कैसे बनोगे? मेरे तरफ से देख लो, जैसे ये माला जब करोगे ना, ये अंगुल को बाहर निकाल कर रखना, क्योंकि ये गंधा अंगुल, हम कहते ना तेरे पाप देख लेंगे, सबसे पहले यही निकलता है। इसलिए काम क्रोध का प्रतीक है ये अंगुल, अंगुल को टच नहीं करना, ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखना, रख करके जैसे इसको देखो जो मैन है इसको इधर रखना, इस तरफ करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ में एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब एक बार नाम लिया ना, देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना बार हो गए? 16 बार। इसमें 108 होती है। करते 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 वो जब यहाँ खत्म हो जाए, याद रखना इसको पार नहीं करना, इसको पार नहीं करके इसको इधर घुमा देना, घुमा करके बस दूसरे तरफ से कर दो। ठीक है ना? इसलिए अगर इसे 16 माला कर लिया ना, 25,000 हो जाता है। अगर 64 माला किया तो 1,00,000 हो जाएगा हैं। इसलिए हम यहाँ कितने सारे भक्त हैं, 200 भक्त हैं। अगर माला तो 1 करोगे लेकिन 200 माला करने का फल मिलेगा आपको।
क्योंकि आप 200 भक्त बैठे हुए हैं, सब लोग हरिनाम करेंगे, उनकी आवाज तुम्हारे कान में जाएगी। माला तो 1 करोड़ की, आज 3 लाख तुम्हारे नाम पर ना, आज 3 लाख रुपया 20 दिवस की बजाय बैठ में। इसलिए सब आग आग बंद कर दो, सब जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी के चरण में हमें बैठे ये सोच करके शरीर तो यही रहेगा और मन मन में वृंदावन में चलो, ठीक है। सब आंख बंद कर दो और मेरे साथ साथ ही सबसे सब चल कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।